देखिए, आप सब लोग आए हैं, बहुत सारे सपने होंगे और उनको लेके आए हैं ना। आप सबने बहुत कुछ सोच रखा होगा, बहुत कुछ आपके मतलब आकांक्षाएं होंगी, बहुत कुछ आप प्राप्त करना चाहते हैं, उसको लेके एक उत्साह के साथ आए हैं। पहली चीज तो वहीं से शुरू करेंगे कि बेटा, आज जिस उत्साह के साथ आप शुरू कर रहे हो, ये एक लंबी प्रोसेस है, क्योंकि इसके बाद जो चीजें अचीव होती हैं उनमें भी एक लंबा संघर्ष करना पड़ता है उसके लिए। तो अपनी एक बहुत लंबी संघर्ष यात्रा यहाँ से चालू होने वाली है। हम इसको संघर्ष की यात्रा ही बोलते हैं। तो वो स्टार्ट होने वाली है, उसको आपको अब लंबे समय तक मेंटेन करके रखना है, जो उत्साह आपके अंदर आज है ना। ठीक है, पहली बात तो ये, क्योंकि पढ़ तो लेंगे ही, बहुत सारा पढ़ेंगे, बहुत सारी मेहनत करेंगे, हम भी करोगे, आप भी करोगे, लेकिन उसको आपको बहुत मेंटेन करके रखना है ना। हाँ बेटा, आइए। और आपसे लेट नहीं आएंगे, मतलब 2:30 पे मैं उपस्थित हो गया था, तो मैं आपसे भी उम्मीद करता हूँ कि आप भी आओ समय। वैसे ही 2.5 घंटे का समय कम दिया है, मतलब क्लासेस लंबी होनी चाहिए, लेकिन चूंकि अभी ठंडी है इसलिए 6 बजे एंड करना पड़ेगा, दूसरी क्लासेस भी होगी यहाँ पे, तो वो है, तो समय वैसे ही कम है, तो आप उस टाइम पे उपस्थित हो जाना, क्योंकि वो जरूरी है। ठीक है, क्योंकि बार बार फिर उसी चीज को रिपीट करने से अच्छा नहीं होता, आपका कॉन्सेप्ट छूट गया तो वो छूट जाएगा। तो पहले तो आप बहुत सारे संघर्ष को लेके आए हो, उसको अपने मतलब सपनों को लेके आए हो, उसको करना, और उसके लिए बहुत सारा संघर्ष करना पड़ेगा। ठीक है, तो वो चीजें हैं। हम यहाँ पे जो है वो ये क्लासेस जो रहेंगी, वो क्लासेस आज से लेके अगले 12-15 महीने तक हमारी चलेगी। रोज पढ़ेंगे, रोज आगे कुछ बेहतर करने का प्रयास करेंगे। जब भी आप सिविल सर्विस की तैयारी करना चाहते हो, तो उससे पहले है ना, सिविल सर्विस शब्द मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ, तो सिविल सर्विस तैयारी करने से पहले आपको कुछ बुनियादी चीजें बहुत बेहतर तरीके से पता होना चाहिए। पहली जो तैयारी होती है उसमें सबसे मूल चीज होता है आपको सिलेबस, यहाँ पे बहुत डिटेल में पता होना चाहिए कि हमें पढ़ना क्या है, एग्जाम का पैटर्न क्या है। तो आज हमारी जो पूरी क्लास है, ये क्लास में ज्यादातर हमारा हिस्सा केवल सिलेबस को समझने में होगा, है ना। आप शायद कॉलेज में जाते हैं या जाते हो तो सिलेबस देखते हो या नहीं, यानी मतलब किसी एग्जाम में जाते हो सिलेबस देखते होगे, मतलब कई बार मुझे नहीं पता आप लोग देखते हो या नहीं, क्योंकि मेरा पहली बार कॉलेज के स्टूडेंट से सीधे इंटरेक्शन हो रहा है। इसके पहले मेरे पास जो आते हैं बच्चे, वो कॉलेज में 2-2, 4-4 साल खत्म करके आते हैं। मैं कॉलेज के बच्चों को बहुत ज्यादा इंटरटेन करते नहीं था, वो 1-2 साल घिसा जाते हैं कि हाँ यार हमने कर लिया, फिर वो मेरे पास आते थे, तो मुझे वो इतने मैच्योर हो जाते हैं, तो उनसे ये सब पीछने की जरूरत ही नहीं पड़ती है, क्योंकि उनको सारी चीजें पहले से पता होती है। आप लोगों को चूंकि समझना है, तो आपने जो भी क्लास में पढ़ते होंगे, जहां भी पढ़ते होंगे, तो पहले सिलेबस देखते होंगे, क्योंकि कोई भी एग्जाम की तैयारी हम सिलेबस के बगैर नहीं कर सकते हैं। एक बात तो पहला आज हम समझेंगे सिलेबस। एक सिलेबस को समझने के बाद क्लास खत्म होगी तो मैं दूंगा कुछ टास्क, तो उस टास्क को आपको करना होगा। तो जो पूरी तैयारी है, इस तैयारी में 4-5 इंपॉर्टेंट चरण होते हैं, उसको आप अपने दिमाग में एकदम फिट कर लेंगे। सबसे पहला चरण होता है, यह जो तैयारी है उसका मूल होता है, वो होता है सिलेबस, कि आपको सिलेबस के संदर्भ में बहुत सारी चीजें या एक एक पॉइंट सिलेबस के आपको सपने में भी याद होना चाहिए। अर्थात ये सिलेबस में केवल आज बताऊंगा, आज के बाद हर सब्जेक्ट के टीचर आएंगे और वो अपना अपना सिलेबस बताएंगे। आज मैं ओवरऑल तरीके से सिलेबस बताऊंगा, वो सिलेबस आपको सपने में भी याद होना चाहिए, पहली बात। एक बात तो कोई भी एग्जाम है तो उसका हमें सिलेबस पता होना चाहिए, पहली बात। दूसरा, हमें उसके संदर्भ में दूसरी चीज जो पता होना चाहिए, वो पता होना चाहिए PYQ, अर्थात प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। दूसरी हमारी क्या बात होती है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ये किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। दूसरा प्रीवियस ईयर की, भाई हमें जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे हम यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, चाहे स्टेट पीएससी की तैयारी कर रहे हैं, दोनों के प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, प्रीलिम्स में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मेंस में कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है, तो हमें उसका प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पता होना चाहिए। दूसरा, तीसरा उसमें जो चीज होती है वो आप सबका काम है और सबसे मेहनत का काम वही होता है, वो होता है आपके नोट्स बनाना, क्योंकि आप आज से ही अपना नोट्स बनाने शुरू करेंगे। यहाँ पे बोर्ड पे जो जो एक एक चीज शब्द लिखा जा रहा है, साथ ही साथ मेरे द्वारा जो बोले जा रहा है, वो आपकी कॉपी में होना चाहिए, है ना। तीसरी जो चीज होती है वो होती है नोट्स, कि हम नोट्स की वहां पे हमने कितना किया। नोट्स के बाद उसका होता है कि जितना पढ़ लिया, जैसे जैसे हम पढ़ते जाते हैं उस समय पे आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ जाता है। मैं कल कोई टॉपिक आपको पढ़ाऊंगा, कल कोई टॉपिक आपको समझाऊंगा, परसों कोई टॉपिक पढ़ाऊंगा, परसों कोई समझाऊंगा, उसके अगले दिन आपको वो टॉपिक बहुत अच्छे से पता होगा, लेकिन आप
जैसे ही कुछ दिन आगे पहुंचेंगे तो बाद में आपके वो चीजें क्या हो जाएंगी, टॉपिक मिस हो जाएगा, वो आपको ध्यान नहीं होगा। तो अगली चीज होती है कि हमने जो पढ़ा है उसका हम कितना रिवीजन करते हैं, हम उसका कितना रिवीजन करते हैं। तो वहां पे क्या होता है रिवीजन, है ना, अगला कि जितना पढ़ लिया उसमें शुरुआत में आपको 100% पढ़ने पर फोकस करना, लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं तो पढ़ना केवल 80% है, 20% रिवीजन करना, और आज से 12 महीने के बाद हमें केवल और केवल रिवीजन करना, पढ़ना कुछ भी नहीं है, पढ़ पूरा जो मतलब पूरा हमारा कवर हो जाएगा। तो फिर हमको वहां पे करना होगा रिवीजन, जितना ज्यादा हम रिवीजन करेंगे उतना ज्यादा हमें कॉन्फिडेंस आएगा, उतना बेहतर तरीके से हम पढ़ेंगे। तो पहला सिलेबस आपको करना है, सिलेबस पे क्या है, तो आज की पूरी बात ही हमारी सिलेबस पे ही है, आज की पूरी बात सिलेबस पे, कुछ मिलाई के ऊपर छोटी मोटी बात है, सिलेबस पे पूरी आज की बात हमारी होगी। फिर हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, फिर आपको कल से जब भी आपकी जो क्लास, वैसे तो आज से ही आपको नोट्स बनाना, अपने उस पर लिख लेना है ना, अपने उस पर लिख लेना सिलेबस क्या है, क्या क्या टॉपिक होगा, क्योंकि आज जो चीज होंगी वो जीवन भर आपको काम आएगी, तो आपको वो उसका नोट्स बनाना। फिर जितना हम पढ़ लेंगे उसका आपको क्या करना पड़ेगा, रिवीजन करना रहेगा, जितना भी हम पढ़ रहे हैं उसको आप क्या करोगे, रिवीजन करोगे, रिवीजन रिवीजन रिवीजन, मतलब रिवीजन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। और रिवीजन करने के बाद फिर आपको क्या करना, प्रैक्टिस करना, रिवीजन करने के बाद फिर आपको क्या करना, प्रैक्टिस करना। तो ये आपका जो चीजें होंगी प्रैक्टिस, ये आपकी पांच चीजें हैं, मतलब ये क्या है, पांच मूल मंत्र है किसी भी एग्जाम को निकालने के, वो एग्जाम कोई सा भी हो सकता है, वो एग्जाम आपने अगर 11th 12th के बाद दिया होगा, IIT, JET, NEET या CLET, जो भी एग्जाम आपने दिया होगा वहां पे भी, सिविल सर्विस के एग्जाम या आप कोई बंडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सबके लिए ये मूल चीजें होती है। इन पांच चीजों के बगैर आप कोई कॉम्पिटिशन एग्जाम को उतने इफेक्टिव तरीके से नहीं क्रैक कर सकते हो, इन पांच चीजों के बगैर आप कोई भी कॉम्पिटिशन एग्जाम को उतने बेहतर तरीके से क्रैक नहीं कर सकते हो। तो इनके लिए जरूरी है कि हम इन पांचों चीजों पर बहुत बेहतर तरीके से कमांड रखते हो, है ना, इन पांचों चीजों पर बहुत बेहतर तरीके से कमांड रखते हो। उस कमांड में भी सबसे मूल क्या होगा कि हम सिलेबस पे तो बहुत ज्यादा, मतलब हमें सपने में भी सिलेबस याद होना चाहिए। एक बात, आप कॉलेज में पढ़ाई करते होगे, स्कूल में पढ़ाई करते होगे, उस पढ़ाई से और कंपटीशन की पढ़ाई में बहुत जमीन आसमान का अंतर है। जमीन आसमान का अंतर क्या है, क्योंकि वहां पे आपको कैसे भी करके 33% लाना है, 33% अच्छे ले आए, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है कि यहाँ पे अगर 1,00,000 लोग फॉर्म भरेंगे तो उनमें से 100 लोगों का चयन होगा, तो हमें केवल सिलेक्शन नहीं पाना, हमें केवल यहाँ पे सिलेक्शन नहीं पाना, अभी तो हमें उनमें सबसे बेहतर होना है, है ना, हमें अपने आप को सबसे बेहतर होना। तो अपने आपकी जो परफेक्शन के लिए क्या होता है, चीजों पे आपकी बहुत डिटेल से बहुत डेप्थ कमांड होनी चाहिए, ठीक है, कोई भी एग्जाम हो। तो पहले ये पांच चीजों को अपने सपने में रखना, इनमें से कहीं पे भी कोई भी गड़बड़ हुई तो फिर वो चीजें बेहतर नहीं होती। बहुत सारे स्टूडेंट आते हैं, हर बार देखते पढ़ने में बहुत अच्छे रहते, पढ़ने में बहुत अच्छे रहते, लेकिन एग्जाम में जाके उनका एग्जाम नहीं निकल पाता। क्यों नहीं निकल पाता, क्योंकि पढ़ा तो बहुत है, पढ़ा था तो उसका रिविजन नहीं किया, रिविजन नहीं किया तो एग्जाम के समय पर भूल गए, है ना, एग्जाम के समय पर भूल गए तो रिविजन एक बड़ा फैक्टर होता। फिर क्या हुआ कि बहुत सारा पढ़ा लेकिन प्रैक्टिस नहीं की, तो हमको सारी चीजों को मैनेज करना, हम कोशिश करेंगे कि सभी चीजों को एक साथ लेके चलें। पैटर्न ये रहेगा, इनिशियल में पैटर्न ये रहेगा कि अगर मैंने कोई टॉपिक पढ़ा, मैं आज कोई टॉपिक पढ़ा रहा, तो आज टॉपिक के दोनों प्री के प्रैक्टिस और मेंस के प्रैक्टिस के लिए आपको क्वेश्चन दूंगा, वो क्वेश्चन आपको घर से लिख के लाना होगा, अगले दिन चेक किया जाएगा, फिर आपको लिख के लाना होगा। आप लगातार ये सतत प्रक्रिया को अपनाएंगे, इस प्रक्रिया को अपनाएंगे तभी हमारी प्रैक्टिस होगी, और उसको आपको लगातार रिविजन करना ही पड़ेगा। ये चीजें तो आपको ये कुछ मूल मंत्र थे। अब इनके बाद हमें क्या करना, इसके बाद ये पूरे पेज को एक थोड़ा सा समझते हैं। तो हमारा ये वाली जो क्लासेस होंगी ये दो चीजों पे फोकस होंगी, दो चीजों पे। इसको मैं बेसिक कर देता हूं कि ये जो बैच है वो हमारा सिविल सर्विस बैच है, सिविल सर्विस या सिविल सेवा बैच अपन इसको बोलते हैं, ये सिविल सर्विस बैच है। सिविल सर्विस की जो बुनियादी चीजें हैं वो इसमें कवर की जाएगी। सिविल सर्विस में मैं क्या बोल रहा हूं, तो सिविल सर्विस में दो चीजें होती है, पहला तो एक चीज होती है उसके अंतर्गत यूपीएससी होती है, दूसरा जो चीज होती है वो होती है स्टेट पीएससी, जिसको हम मध्य प्रदेश में एमपीपीएससी के नाम से जानते हैं। तो ये जो बैच है वो उसमें हम यूपीएससी और एमपीपीएससी को साथ में लेके चलेंगे। कितना साथ में लेके चलेंगे, तो उसमें एमपीपीएससी की हम 100% तैयारी करेंगे, एमपीपीएससी में 100% 101% तैयारी करेंगे, एमपीपीएससी का एक भी बिंदु अगले 11 से 12 महीने में हम नहीं छोड़ेंगे। लेकिन यूपीएससी की जो हमारी तैयारी होगी वो अभी हमारी 70% तैयारी होगी, वो यहां पे हमारी 70% तैयारी होगी, क्योंकि उसमें एक सब्जेक्ट होता है ऑप्शनल जो मेंस के समय पे आप करते हो, तो लगभग
20-25% का वेटेज उसका होता है, तो वो उस वेटेज को भी छोड़ेंगे इन फ्यूचर में। अगर देखेंगे कि आप में से 10 या 15 व्यक्ति एक ही ऑप्शनल के हो गए कि सर हमें हिस्ट्री करना, तो फिर वो अभी अपन कर लेंगे, वो देखेंगे, क्योंकि उसमें अलग अलग वेरिएशन होते हैं। टोटल 36 ऑप्शनल सब्जेक्ट होते हैं, है ना, 36 ऑप्शनल सब्जेक्ट होते हैं, हर व्यक्ति का अपना ऑप्शनल होता, तो अभी वो ऑप्शनल पे अपन बात नहीं करेंगे, बाकी एक और दो छोटे छोटे कोई मिसे होंगे तो उनको स्किप करेंगे, तो उनको लेके हम यहाँ पे शुरू करेंगे। तो आज का जो मेरा सेशन है उसमें हम केवल सिलेबस को देखेंगे, सिलेबस यूपीएससी का सिलेबस कैसे है, वो कौन सा सिलेबस एमपीपीएससी से लिंक होता है, एमपीपीएससी और यूपीएससी के नेचर में क्या होता है, दोनों के क्वेश्चन कैसे अलग पूछे जाते हैं, वो कैसे समान होगा, तो ये हम पूरा सिलेबस को लेके यहाँ पे बात करेंगे। तो अब अगर हम यहाँ पे देखें, है ना, अगर हम यहाँ पे सिलेबस को देखें, तो दोनों के सिलेबस को देखना है, साथ ही साथ में जो चीजें बताते जा रहा हूं, मैं मान के चल रहा हूं कि आपने अपनी कॉपी लाए होंगे, अगर आज भी आपने कॉपी नहीं भी लाए हो तो आप कल से अपनी एक स्पेसिफिक कॉपी लेके आएंगे, दो क्लासेस यहाँ पे चलेंगी, मैं यहाँ पे जो आपको क्लास कवर करवाऊंगा वो आपको क्लास किस चीज की कवर करवाऊंगा, मैं यहाँ पे हिस्ट्री पढ़ाऊंगा, इंडियन हिस्ट्री चालू होगी, तो इंडियन हिस्ट्री मेरे द्वारा कंप्लीट कवर करवाई जाएगी पहले बात, मेरे अलावा शुभम सर आपकी क्लासेस लेंगे, तो शुभम सर यहाँ पे क्लास लेंगे आपके ज्योग्राफी के, तो आपको दो रजिस्टर लेके आना, एक में आपको पूरा हिस्ट्री पढ़ना है, दूसरा आपको ज्योग्राफी है, वो हिस्ट्री ज्योग्राफी का क्या वेटेज है उस पर बात अपन यहाँ पे करेंगे, तो आपको दो रजिस्टर बनाना है, दो रजिस्टर के बाद कुछ किताबें जो नोट्स होंगे डेली के, जैसे ये फाइल है पीडीएफ फाइल है 60 पेज की, तो ये तो आपके ग्रुप में हम शेयर कर देंगे, ग्रुप बनाएंगे उस ग्रुप में आपको शेयर कर देंगे, तो वो नोट्स जो होंगे वो डेली के बेसिस पे तो आपको मिलते जाएंगे, लेकिन उसमें आपको कुछ रेफरेंस किताबें लेना होगा हर सब्जेक्ट की, है ना, जैसे अगर मैं हिस्ट्री पढ़ा रहा हूं तो मैंने बताया कि पूनम लाल दहिया की आपको ये किताब लेना, तो वो किताब आपको अपनी लेना होगा, मार्केट में कहीं पे भी मिल जाएगी, आप मार्केट से उस किताब को ले लेंगे, उससे आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी वहां पे होगी, जो हमने बताया वो हम पीडीएफ के फॉर्मेट में बाइलिंगुअल में वो आपको नोट्स दिन प्रतिदिन पे मिलते जाएंगे, आज की फाइल हुई आज की फाइल को आपको शेयर कर देंगे, शुभम सर अपनी फाइल को शेयर कर देंगे, तो वो फाइल आपको दिन प्रतिदिन की मिलती जाएगी, लेकिन जो पढ़ना है जो कॉन्सेप्चुअल डेवलप करना है किताब के अलावा, मतलब बाकी चीजों के अलावा, तो वो आपको वहां पे करना ही रहेगा, ठीक है। तो अब हम आते हैं कि एग्जाम पैटर्न क्या होता है, सबसे पहले सिलेबस की बात की, सिलेबस के पहले हम समझ तो ले कि जो एग्जाम है वो एग्जाम पैटर्न कितना होता है, तो खासकर सिविल सर्विस के जो एग्जाम होते हैं, सिविल सर्विस के एग्जाम होते हैं चाहे वो यूपीएससी हो या एमपीपीएससी, वो 3 टायर के एग्जाम होते हैं, ये थोड़ी बेसिक बात होगी, शायद आप सबको पता होगा कि इसमें जो एग्जाम होगा वो कितने 3 टायर के एग्जाम पैटर्न में होगा, है ना, मतलब यहाँ पे 3 टायर में ये एग्जाम होगा, 3 टायर कौन कौन से होते हैं, पहला होता प्री, है ना, पहला होता प्री, दूसरा टायर होता है मेंस, और तीसरा टायर जो होता है वो होता है आपका इंटरव्यू, है ना, वो होता है आपका इंटरव्यू। अब इसमें मैं एक शब्द बोलता हूँ कि प्री और मतलब जो एक्चुअल में प्री जो है वो एक एलिमिनेशन राउंड है, प्री उस चीज के राउंड है जो एक प्रकार से उसको ये बोले कि गधों और घोड़ों में से आपको गधों को अलग करने का राउंड है, है ना, अब ये अभी तो आप सब नए हैं तो आपके लिए ये चल जाएगा आपको, लेकिन बाद में थोड़ा सा बुरा लग सकता है, लेकिन ये बात सही है, वास्तव में आप सिविल सर्विस देने के लिए योग्य है या नहीं उसका परीक्षण केवल किस एग्जाम से किया जाता है, प्री के एग्जाम से किया जाता है ना, उसका परीक्षण कहां से किया जाता है, प्री के एग्जाम से किया जाता है, प्री के एग्जाम जो होता है वो आपका कौन सा होता है, ऑब्जेक्टिव होता है, प्री का एग्जाम कैसा होता है, आपका ऑब्जेक्टिव एग्जाम होता है, तो ऑब्जेक्टिव एग्जाम जैसे आप सबने बहुत सारे लोगों ने दिया होगा, आपको वहां पर भरना होता है, गोले भरना होता है, 4 गोलों में से 1 गोलों को आपको सही करना होता है, तो प्री का एग्जाम आपका जो होगा वो ऑब्जेक्टिव एग्जाम होगा पहला, दूसरा मेंस का एग्जाम जो होता है वो डिस्क्रिप्टिव एग्जाम होता है, आप में से बहुत सारे लोगों ने दिया, डिस्क्रिप्टिव एग्जाम होता है, तीसरा हमारा जो होता है वो इंटरव्यू होता है, आपका जो अल्टीमेट सिलेक्शन होता है प्री केवल एलिमिनेशन राउंड होता है, एलिमिनेशन राउंड का मतलब वास्तविक में अगर 5 लाख लोगों ने फॉर्म भरे यूपीएससी के, तो 5 लाख लोगों में से कौन वास्तव में 10,000 लोग इसके मेंस देने के योग्य है या कौन वास्तव में बनने के योग्य है, तो उसके सिलेक्शन के लिए हम यहां पे क्या करते हैं, एलिमिनेशन करते हैं, ये हटाने का राउंड है, ये सिलेक्शन का राउंड कभी नहीं माना जाता, इसको सिलेक्शन का राउंड नहीं है, ये एलिमिनेशन का राउंड है कि बाकी लोगों को हटा दो जो वास्तविक योग्य है, उस योग्य व्यक्तियों को हम वास्तविक परीक्षा में मुख्य परीक्षा में बैठने का मौका देंगे, तो प्री का एग्जाम जो होगा वो ऑब्जेक्टिव होगा, प्री के एग्जाम ऑब्जेक्टिव जो होते हैं, तो इस ऑब्जेक्टिव एग्जाम में चाहे यूपीएससी हो या एमपीपीएससी दोनों में इस ऑब्जेक्टिव एग्जाम में 2 स्टेज होते हैं, 2 पेपर होते हैं, पहला पेपर होता है जीएस का चाहे यूपीएससी हो स्टेट पीएससी हो, दूसरा पेपर होता है सीसेट का,
दूसरे अगर पेपर होता है सीसेट का, तो यहाँ पे जीएस और सीसेट का पेपर होगा। जीएस में जो कुल प्रश्न आते हैं उनकी संख्या होती है 100, जीएस में कुल प्रश्न आते हैं उनकी संख्या होती है 100, और उनमें अगर हम देखें तो कुल मार्क्स होते हैं 200, मतलब एक क्वेश्चन के दो मार्क्स वहां पे होते हैं। जबकि सीसेट जो होता है वो क्वालिफाइंग नेचर का होता है, सीसेट जो होता है वो क्वालिफाइंग नेचर का होता है। अगर आप सीसेट को क्वालिफाई नहीं कर पाए, सीसेट को क्वालिफाई नहीं कर पाए तो फिर आपको क्या होता है, मौका नहीं मिलता किसमें, मेंस एग्जाम के लिए आपको का नहीं मिलता। तो सीसेट क्वालिफाइंग इस बार के यूपीएससी में बड़ा इंटरेस्टिंग रहा है ना। इस बार का यूपीएससी जो अभी रिसेंट में 2023 का यूपीएससी हुआ पिछले साल, तो 23 के यूपीएससी में कई सारे ऐसे अभ्यर्थी थे जो जीएस में तो निकल गए थे। जीएस में तो उनका था कि 200 में से उनके मार्क्स आ रहे थे 120-130, तो उनका आराम से निकल जाता। लेकिन बहुत सारे बच्चे सीसेट में 80 मार्क्स लाना होता 200 में से नहीं ला पाए। कई आईआईटी वाले जो बच्चे थे वो सीसेट को क्वालिफाई नहीं कर पाए। तो यूपीएससी का सीसेट भी अपने आप में एक बड़ा हर्डल होता है ना, बड़ा हर्डल होता है, खासकर ऐसे बच्चे जो आर्ट्स बैकग्राउंड से हैं, है ना, जो आर्ट्स बैकग्राउंड से उन्होंने 10वीं के बाद 11वीं के बाद ही आर्ट्स ले लिया था, तो उनको सीसेट एक बड़ा बर्डन बनता है। स्टेट सर्विस में सीसेट कोई बड़ा बर्डन नहीं बनता, स्टेट सर्विस में कोई सीसेट बड़ा बर्डन नहीं बनता, लेकिन सीसेट से एक पॉजिटिव चीज खुलती है स्टेट सर्विस में। स्टेट में यूपीएससी में और स्टेट सर्विस में अगर आपका चयन आप फॉरेस्ट को भी एक वैकल्पिक ऑप्शन के रूप में चल रहे हो, जैसे डिप्टी कलेक्टर अगर हम देखें तो पीएससी से बहुत सारे पदों पर चयन होता है जिसमें डिप्टी कलेक्टर, डीएसपी, कोऑपरेटिव इंस्पेक्टर या ऐसी बहुत सारी पद होते हैं, उन पदों पर चयन होता है। वैसे ही होता है फॉरेस्ट रेंजर, तो वो रेंजर के लिए जो चयन होगा उसमें जीएस प्लस सीसेट के मार्क्स से आप रेंजर के एग्जाम के लिए भी एलिजिबल हो जाते हो अगर आप एमबीपीएससी देते हो। तो एमबीपीएससी में सीसेट में आपके मार्क्स अच्छे आते और लेट से कि आपके जीएस में 80 मार्क्स आए और सीसेट में भी 80 मार्क्स आए, तो आप सिविल सर्विस जो आपका एमबीपीएससी मेंस देने का मौका तो मिलता है, लेकिन साथ ही साथ फॉरेस्ट सर्विस के मेंस देने का भी मौका मिलता है। तो सीसेट एक प्रकार का पॉजिटिव भी एमपी में होता है, लेकिन यहाँ पे एमपी में सीसेट बहुत ज्यादा टफ नहीं आता, यूपीएससी में सीसेट बहुत ज्यादा टफ आता है, कई बार बच्चे उसको क्वालिफाई नहीं कर पाते। तो पहला तो हमने यहाँ पे क्या देखा कि सीसेट, सीसेट के बाद अगर हम देखें तो फिर आता आपका मेंस का एग्जाम, फिर आपका मेंस का एग्जाम आता, मेंस का एग्जाम होता डिस्क्रिप्टिव। डिस्क्रिप्टिव एग्जाम में मेंस में अगर हम देखें तो दोनों का नेचर में थोड़ा थोड़ा सा अलग है ना, दोनों के नेचर में थोड़ा थोड़ा सा अलग है। वो क्या अलग है उसको आप थोड़ा देखेंगे। तो पहले मैं यूपीएससी के मेंस को आपको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करता हूं कि यूपीएससी का मेंस में क्या होगा। तो यूपीएससी के मेंस में टोटल पेपर होते हैं 9, है ना, टोटल पेपर कितने होते हैं 9। इन सब चीजों को याद रखना, अब ये सपने में भी आपको आना चाहिए, है ना, आज के बाद से आपकी जो सोशल लाइफ थी, आपकी जो बाकी लाइफ थी वो खत्म होने वाली है। या तो अभी से क्विट कर लेना, और क्विट नहीं करो तो बहुत सारी मेहनत के लिए तैयार है ना, ये सब आपकी जिंदगी का अभी हिस्सा हो जाएगा, है ना। जितनी किताबें हैं जो इनको पढ़ते हो वो आपके भाई बहन लगेंगे, उनको पढ़ इतनी बार पढ़ लोगे ना किताबों को, वो लगना भी चाहिए। तो उसके लिए हमें क्या होगा कि चीजों को कितने सब्जेक्ट होंगे याद होना चाहिए। तो यूपीएससी में जो पेपर होते हैं वो टोटल 9 पेपर होते हैं मेंस में। 9 पेपर में से 2 होते हैं क्वालिफाइंग नेचर के। क्वालिफाइंग नेचर होता है हिंदी और इंग्लिश, क्वालिफाइंग नेचर होता है आपका हिंदी प्लस इंग्लिश, वहां पे क्वालिफाइंग नेचर होता है, मतलब हिंदी का पेपर होगा इंग्लिश का पेपर होगा। तो अगर आप हिंदी और इंग्लिश में पेपर में क्वालिफाई नहीं हो पाते तो आपकी बाकी कॉपी तो चेक ही नहीं होती, मतलब आपकी यूपीएससी में कॉपी चेक नहीं होगी। अगर आपने हिंदी का पेपर होगा जो 250 नंबर का होगा और उसमें अगर आप पास नहीं हो पाए, आप नहीं ला पाए 250 नंबर में से, वहां पे लगभग 100 नंबर का क्वालिफाइंग होता है, तो आप 100 नंबर नहीं ले पाए तो आपकी बाकी सब्जेक्ट की वो कॉपी चेक ही नहीं करते। उनको मान लेते हैं कि इस व्यक्ति को अपनी भाषा पे पकड़ नहीं है तो ये क्या क्वालिफाई होंगे। और आप में से बहुत सारे साथी है वो बहुत गलतियां लिखते हैं, है ना, बहुत गलतियां लिखते हैं, तो आपकी गलतियां इतनी होती है कि आप सीसेट में इसको क्वालिफाई नहीं कर पाओगे हिंदी को और इंग्लिश को। तो हिंदी और इंग्लिश हमारी वो होनी चाहिए, ये 2 है। इसके अलावा यहां पे और कौन कौन से मेंस में पेपर होते हैं, तो मेंस में अगर हम इसमें देखें तो इसके अलावा मेंस में पहला पेपर होता है यूपीएससी में जिसको अपन बोलते हैं निबंध का पेपर। यूपीएससी में क्या पेपर होता है, पहला निबंध का पेपर होता है जिसके कुल अंक होते हैं 250। तो यहां पे आपको 2 निबंध लिखने होते हैं। 2 निबंध मतलब आपको कोई भी टॉपिक दे दिया जाएगा, है ना, वो मूर्त टॉपिक हो सकता है, अमूर्त टॉपिक हो सकता है, और उस टॉपिक पर आपको लगभग 1000 शब्दों में 1250 शब्दों में लिखना होता है। एक टॉपिक पर दूसरे टॉपिक पर आपको 1250 शब्दों में लिखना होता है। तो ये आपका वहां पे एक हिस्सा है जिसमें आपको यहां पे लिखना पड़ेगा, है ना, पहला। तो निबंध आपको 2 निबंध लिखना होता है, इसमें कुछ नहीं लिखना, 2 सिंपल टॉपिक दे दिया आपको, कोई भी टॉपिक दे दिया, उनके नाम आपको दे दिया, और वहां पर केवल और केवल आप क्या करेंगे, निबंध लिखना होगा, है ना, वो आपसे बोल देंगे कि इस टॉपिक पर आप लिखो, है ना। अब आपका अगला,
यह होगा पहला पेपर। दूसरा पेपर होता है यूपीएससी में जिसका नाम होता है GS1। दूसरा जो पेपर है यूपीएससी में जिसका नाम होता है GS1, GS1 के अंदर अगर हम देखें तो ये दूसरा पेपर भी 250 अंक का होगा। पहला 250 अंक का, दूसरा 250 अंक का। दूसरा आपके कितने अंक का? 250 अंक का। 250 अंक का GS1 पेपर होता है यूपीएससी में। उस GS1 के अंदर क्या होगा? उसके अंतर्गत होगा भारतीय विरासत, इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर। इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर मतलब भारतीय इतिहास और भारतीय संस्कृति, यह पहला टॉपिक होगा एक, है ना। तो ये भारतीय इतिहास और भारत की संस्कृति के संदर्भ में पूरा होगा। हमारी क्लासेस जो चालू होंगी वो यहीं से चालू होंगी। कल हमें यहीं से अपने टॉपिक शुरू करेंगे पहला। दूसरा इसके अंदर होता है विश्व इतिहास। दूसरा यहाँ पे क्या होता है? विश्व इतिहास वाला टॉपिक होता है। तीसरा टॉपिक होता है भूगोल और चौथा टॉपिक होता है समाज। मतलब यहाँ पे आपको यूपीएससी मेन्स को करने के लिए चार सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा। मैं मेन्स पे आकर फिर प्री के सब्जेक्ट बताऊंगा। तो यूपीएससी मेन्स में पहले पेपर में आपको चार सब्जेक्ट पढ़ना। कौन कौन से चार सब्जेक्ट पढ़ना? पहला इतिहास, इतिहास के दूसरा हिस्सा विश्व इतिहास, तीसरा वहां पे भूगोल, चौथा आपको समाज। ये चारों पेपर को मिला के आपके मेंस में कितने अंक आएंगे? लगभग 250 अंक आएंगे। बात समझ रहे? तो इसके अंतर्गत इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर, वन हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड सोसाइटी, ये चार टॉपिक से मिला के एक 250 अंक का पेपर होगा पहली बात। दूसरी बात अगर इसमें देखेंगे तो सेकेंड हमारा जो होता है वो होता है GS2। GS2 के अंतर्गत क्या आता है? GS2 के अंतर्गत आता है गवर्नेंस सिस्टम, इंडियन गवर्नेंस, भारत की शासन व्यवस्था। दूसरे पेपर के अंतर्गत क्या आता है? गवर्नेंस सिस्टम, भारत की शासन व्यवस्था, भारत का संविधान। दूसरे पेपर के अंतर्गत क्या आता है? भारत का संविधान। तीसरा उसका हिस्सा होता है इसी में पॉलिटी के सामान्य व्यवस्था, फिर सामाजिक न्याय और इंटरनेशनल रिलेशन, मतलब सोशल जस्टिस एंड इंटरनेशनल रिलेशन। तो एक इसका हुआ शासन व्यवस्था, एक इसका हुआ शासन व्यवस्था, दूसरा इसका हुआ संविधान, दूसरा हुआ हमारा संविधान, तीसरा हुआ यहाँ पे राज व्यवस्था, तीसरा हमारा हुआ पॉलिटी, है ना। मतलब पहला तो गवर्नेंस, पहला गवर्नेंस, दूसरा हुआ कॉन्स्टिट्यूशन, तीसरा हुआ पॉलिटी, चौथा उसके अंतर्गत होता है सोशल जस्टिस, चौथा उसके अंतर्गत होता है सोशल जस्टिस या सोशल, और पांचवा उसके अंतर्गत जो होता है वो क्या होता है? इंटरनेशनल रिलेशन। पांचवा इसके अंतर्गत जो होगा वो हमारा क्या होगा? IR, इंटरनेशनल रिलेशन। तो हमने चार पेपर यहां पे पढ़े थे या चार सब्जेक्ट पढ़े, तो टोटल कितने सब्जेक्ट पढ़ना मेंस के लेवल पे? तो मेंस के लेवल पे हमको यहां पे सब्जेक्ट पढ़ना ऊपर चार। ऊपर चार कौन कौन से पढ़े? हिस्ट्री, इंडियन हिस्ट्री एंड कल्चर। दूसरा हमने पढ़ा वर्ल्ड हिस्ट्री, तीसरा हमने पढ़ा ज्योग्राफी, है ना। तीसरा हमने वहां पे पढ़ा ज्योग्राफी, चौथा वहां पे हम क्या देख रहे हैं? चौथा हमने उसके अंतर्गत देखा सोसाइटी, है ना। सर एक बार इसको देख, सुन सर इनको देख लो, है ना। तो वहां पे हमारा क्या हुआ? तो वहां पे हमने सोसाइटी को देखा, ठीक है। तो ये हमारा हुआ। इसके बाद हमने यहाँ पे क्या देखा? तो यहाँ पे हमारी एक है गवर्नेंस, उसके बाद हमारा है कॉन्स्टिट्यूशन, फिर हमारा है सोशल जस्टिस, फिर हमारा है इंटरनेशनल रिलेशन। तो टोटल सब्जेक्ट हो गए 9। टोटल सब्जेक्ट यूपीएससी में 9 है। मैं इन्हीं को प्री में भी को रिलेट करूंगा कि ये प्री के सिलेबस में कैसे होंगे। तो ये आपके कुल सब्जेक्ट हुए 9 या 5 इसके, तो 5 के हिसाब से कितने अंक हो गए? 250 अंक हो गए। तो ये 9 सब्जेक्ट आपके हुए जो हमें वहां पे मेंस के लेवल पे पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद अगर हम देखेंगे तो फिर आता है GS3। GS3 के अंतर्गत कौन कौन से टॉपिक होते हैं? तो GS3 में फिर आपका 90 के बाद 10वें टॉपिक होगा टेक्नोलॉजी। 10वें नंबर पर टॉपिक क्या होगा? टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी के बाद अगला टॉपिक होगा इकोनॉमिकल डेवलपमेंट, जिसको हम इकोनॉमिक्स बोलते हैं। तो 11वें नंबर का सब्जेक्ट होगा इकोनॉमिकल डेवलपमेंट, है ना। ये हमारा 11वां सब्जेक्ट होगा। 12वां सब्जेक्ट होगा एनवायरमेंट प्लस बायोडायवर्सिटी, एनवायरमेंट प्लस बायोडायवर्सिटी, तो ये 12वां नंबर का टॉपिक होगा। 13वें नंबर का टॉपिक होगा इसमें सिक्योरिटी, और 14वें नंबर का टॉपिक होगा यहाँ पे, 14वें नंबर का जो टॉपिक होगा वो होगा आपदा प्रबंधन। ये सब आप देख लें, पहला टेक्नोलॉजी, दूसरा हमारा इकोनॉमिकल डेवलपमेंट, तीसरा हमारा बायोडायवर्सिटी, चौथा हमारा सिक्योरिटी, और पांचवा हमारा डिजास्टर मैनेजमेंट। इनको मिला के हमारा कितने अंक होंगे? 250 अंक। तो टोटल ये 14 सब्जेक्ट जीएस के अंतर्गत आते हैं। टोटल ये 14 टॉपिक, या इनको मैं बोलूं सब्जेक्ट, ये टॉपिक नहीं है, ये 14 विषय हैं जो आपको पढ़ना होगा मुख्य परीक्षा के लिए, ये 14 होगा। अब इसके अलावा 15वां जो विषय होता है उसको अपन बोलते हैं इथिक्स। ओवरऑल तरीके से एक शब्द यूज कर लेते हैं, नैतिक शास्त्र। तो नीति शास्त्र के अंतर्गत आता है नीति शास्त्र, सत्यनिष्ठा, अभिव्यक्ति, या इथिक्स, इंटीग्रिटी और एप्टीट्यूड के नाम से अपन जानते हैं। इसको किस नाम से जानते हैं? इथिक्स, इंटीग्रिटी और एप्टीट्यूड के नाम से जानते हैं। तो ये हमारा जो होगा वो आपका कौन सा पेपर होगा? 5, मतलब यहां पे GS4 और टोटल 5वें नंबर का पेपर यूपीएससी में। तो यूपीएससी के अंदर कितने हुए? 5। तो ये हमारा टोटल नंबर ऑफ सब्जेक्ट होगा 15। तो
हम जो बात करेंगे, हम जो बात करेंगे वो इन 15 सब्जेक्टों की बात करेंगे, है ना। ये 15 सब्जेक्ट हम पढ़ेंगे। अभी तक आपने जो भी सुने होंगे वो सब आपने हवाबाजी में सुने होंगे, है ना। मतलब बात यह है कि हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी के अलावा कुछ सुनते ही नहीं है, है ना, सीधी बात यह है। लेकिन हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी से पूरा काम नहीं चलता, उसमें सब्जेक्ट होते हैं 15। तो ये 15 सब्जेक्ट यूपीएससी में करेंगे। इसमें फिर दो सब्जेक्ट होते हैं जिनको बोलते हैं ऑप्शनल 1, ऑप्शनल 2, जो मैंने बोला कि अभी हम उस पर इतना जोर नहीं देंगे, वो आपका प्री निकलता है या आपको इच्छा होगी तो फिर आप आगे अपने स्तर पे देखेंगे। वो होते हैं ऑप्शनल 1 और ऑप्शनल 2। जो व्यक्ति भी ऑप्शनल अपना चूज करता है वो अपने हिसाब से अपने ऑप्शनल चूज करता है कि सर मेरा हिस्ट्री अच्छा है, मेरा ज्योग्राफी अच्छा है, मेरा पॉलिटी अच्छा है, मेरा लॉ अच्छा है। तो व्यक्ति अपने अपने हिसाब से अपने अपने सब्जेक्ट को वहां पर चूज करने का प्रयास करते हैं। तो वो अपने सब्जेक्ट को चूज करते हैं तो वो ऑप्शनल 1 और ऑप्शनल 2 नामक सब्जेक्ट होते हैं, जिनके अंक भी होते हैं 250 अंक, जिनके अंक होते हैं 250। और उसके बाद जो मैंने आपको बताया था अंग्रेजी भाषा और हिंदी भाषा, हिंदी वाले ये नहीं बोल सकते कि सर हमें अंग्रेजी नहीं आती, और अंग्रेजी वाले ये नहीं बोल सकते हमें हिंदी नहीं आती, दोनों ही आना चाहिए। और 300 नंबर का पेपर होता है ये केवल क्वालिफाइंग होता है। ये केवल क्या होता है, क्वालिफाइंग होता है। अगर आपके 100 अंक उसमें नहीं आए, है ना, 100 अंक नहीं आए तो आपकी कॉपी दूसरे सब्जेक्ट की चेक नहीं होती है, बाकी पढ़ने का कोई मतलब नहीं होता। और ऐसा मैं देखता हूँ, खासकर एमपी वाले बहुत सारे स्टूडेंट जो हिंदी माध्यम से जाते हैं वो इंग्लिश का पेपर क्वालिफाइंग नहीं कर पाते। एमपी में जो हिंदी माध्यम से जाते हैं वो इंग्लिश का पेपर क्वालिफाइंग नहीं कर पाते। तो आपको अभी से अपने ऊपर बात करना है, है ना, अपने ऊपर वर्क करना है कि हम ऐसा कर लें अपनी पर्सनालिटी को कि हम कोई से भी एस्पेक्ट हो उसमें पूरी तरह से कवर कर पाए। मेरी बात समझ पा रहे हो? तो ये हमारा टोटल एक हिस्सा देखा भाई, कौन-कौन से टॉपिक होंगे उनमें। तो जो हमने पूरे कितने पेपर देखे, 7। तो 7 पेपर के आधार पर 250 नंबर को मिला के कितने नंबर हुए, 1750। कितने, 1750। तो ये 1750 प्लस 275 का इंटरव्यू, तो टोटल आपके मिलेंगे 2025 अंक। टोटल कितने, 2025 अंक। ये 2025 अंक के आधार पे आपका क्या होता है, फाइनल सिलेक्शन होता है। इसके आधार पे आपकी रैंक डिसाइड होती है कि आपको कौन सी पोस्ट मिलेगी, किस पद पे आपका चयन किया जाएगा, है ना, किस पद पे चयन किया जाएगा। तो ये यूपीएससी का सिलेबस बेसिक जो था उसको हमने समझने का प्रयास किया। वो किसका स्पेसिफिक, यूपीएससी मेंस का स्पेसिफिक। किसकी बात की हमने, यूपीएससी मेंस की बात की। अभी यूपीएससी प्री की बात हमने नहीं की, हमने शुरुआत थोड़ी उल्टी क्रम में की। पहले प्री नहीं बताया मैंने, पहले मेंस बताया। और मेंस में आपको बताया कि 15 तो आपके मेजर सब्जेक्ट है और प्लस ऑप्शनल सब्जेक्ट। ऑप्शनल सब्जेक्ट जो 15 होंगे उनके बराबर ऑप्शनल सब्जेक्ट होंगे, क्योंकि उसमें आपके पीजी स्तर के नॉलेज का परीक्षण किया जाता है, है ना। आपका मान लो हिस्ट्री है तो हिस्ट्री में पीजी जैसे करोगे तो उतने नॉलेज का परीक्षण किया जाता है। तो ये आपका जो हुआ ये किसका था अपना पूरा, यहां पे हमने देखा यूपीएससी मेंस का सिलेबस। अब अगर हम देखें तो स्टेट पीएससी मेंस में क्या होता है, कितने सब्जेक्ट होते हैं। तो अब बात करते हैं एमबीपीएससी की, बात भी यहीं पे कर लें। तो एमबीपीएससी में जैसे वहां पे मैंने यूपीएससी में टोटल कितने पेपर बताए, यूपीएससी में मैंने बताया 7 पेपर होते हैं। एमबीपीएससी में टोटल पेपर की संख्या होती है, टोटल पेपर की संख्या होती है 6। तो यहां पे आपको क्या ध्यान रखना, ये एमबीपीएससी मेंस देने जाओगे तो आपको कुल कितने पेपर देना होगा, 6 पेपर देना होगा। 6 दिन तक कंटिन्यू चलते हैं, जैसे अभी सोमवार के दिन से पेपर चालू हुए थे और कल वहां पे परसों के दिन खत्म हुए। एमबीपीएससी मेंस के पेपर चल रहे थे, 2022 वाला मेंस अभी चल रहा था, तो उसमें 6 दिन पे 6 पेपर हुए। यूपीएससी में जो पेपर होते हैं वो एक ही दिन में 2 पेपर होते हैं, सुबह भी होता है शाम को भी होता है, 3 घंटे सुबह लिखना तो 3 घंटे शाम को लिखना। यहां पे जो पेपर होता है वो एक दिन में एक पेपर होता है एमबीपीएससी में। एमबीपीएससी की अगर हम बात करें तो 6 पेपर में क्या होता है, तो 6 पेपर जो होंगे उनमें से जो पहला, दूसरा, तीसरा है, इन तीनों पेपर को जीएस के पेपर के नाम से जानते हैं। इन तीनों पेपर को जीएस के पेपर के नाम से जानते हैं, जीएस 1, जीएस 2, जीएस 3। पहला एमबीपीएससी में जो 3 पेपर होंगे वो जीएस 1, जीएस 2 और जीएस 3 के नाम से जाने जाएंगे। जीएस 1 का जो पेपर है उसको हम बोलते हैं हिस्ट्री, उसको हम क्या बोलते हैं, हिस्ट्री के नाम से जानते हैं। और जीएस 2 का जो पेपर है उसको हम बोलते हैं ज्योग्राफी, है ना। जीएस 2 का जो पेपर है वो होता है ज्योग्राफी। अब जो हिस्ट्री है और ज्योग्राफी है इनके अंदर, हिस्ट्री के अंदर 5 सब टॉपिक है, हिस्ट्री के अंदर 5 सब टॉपिक है और ज्योग्राफी के अंदर 5 सब टॉपिक है। हिस्ट्री के अंदर 5 सब टॉपिक कौन कौन से हैं, तो हिस्ट्री के अंदर 5 प्रकार की हिस्ट्री होती है, अभी मैं आगे आके उसको बताऊंगा। 5 प्रकार की हिस्ट्री की बात करते हैं। पहला, सबसे पहले उसमें होती है एंशियंट हिस्ट्री, फिर मीडिवल हिस्ट्री, फिर मॉडर्न हिस्ट्री। एमपी में ये 3 हो गई, एंशियंट, मीडिवल, मॉडर्न। उसके बाद हम देखेंगे तो एमपी की हिस्ट्री, क्योंकि एमबीपीएससी की परीक्षा है तो ये क्या बोलते हैं, एमपी की हिस्ट्री। और फिर एमपी का आर्ट एंड कल्चर, है ना, जिसको हम एक रियासत के नाम से भी एक अलग यूनिट बोलते हैं, तो एमपी की हिस्ट्री, एमपी का आर्ट एंड कल्चर। तो यहां पे हमको पढ़ना पड़ता है एमपी में, तो एमपी में
में 5 FT पढ़ना पड़ता है, यूपीएससी में आपको एक इतिहास पढ़ना पड़ता है, विश्व इतिहास। तो यहाँ पे वो विश्व इतिहास वाला हिस्सा हट जाता है, विश्व इतिहास की जगह हम क्या पढ़ने पड़ते हैं, मध्य प्रदेश का इतिहास पढ़ने लगते हैं। बात समझ आ गई? तो दोनों का सिलेबस कहाँ पे कॉमन है, तो इतिहास दोनों में कॉमन है, इतिहास दोनों में कॉमन है, विश्व इतिहास यहाँ पे नहीं है, तो यहाँ पे मध्य प्रदेश का इतिहास है। यहाँ पे क्या मध्य प्रदेश का इतिहास है, वो इतिहास में थोड़ा सा डिफ्रेंसिएशन आता है। भाई भारत वाले जो पढ़ते हैं यूपीएससी में पढ़ते हैं विश्व इतिहास पढ़ लेते, हम जो पढ़ लेते हैं हमारा मध्य प्रदेश का इतिहास पढ़ लेते, तो ये बात अपन ने देखी। फिर अगर हम देखेंगे तो अगला है ज्योग्राफी। ज्योग्राफी के अंतर्गत अगर हम देखते हैं तो ज्योग्राफी के भी 5 हिस्से माने जाते हैं। ज्योग्राफी के भी क्या माने जाते हैं, 5 हिस्से माने जाते हैं। यहाँ पे 5 हिस्से क्या क्या माने जाते हैं, ज्योलॉजी, पहला ज्योग्राफी का पहला हिस्सा माना जाता है ज्योलॉजी। उसके बाद अगर हम देखेंगे ज्योलॉजी के बाद फिजिकल ज्योग्राफी, उसके बाद इंडियन ज्योग्राफी, उसके बाद एमपी ज्योग्राफी और डिजास्टर मैनेजमेंट। यहाँ पे 5 सब्जेक्ट होते हैं वापस से किसके अंतर्गत, ज्योग्राफी के अंतर्गत। तो ज्योग्राफी के अंतर्गत 5 सब्जेक्ट कौन कौन से होंगे, तो पहला होगा फिजिकल ज्योग्राफी, दूसरा होगा इंडियन ज्योग्राफी, फिर एक होगा ज्योलॉजी, फिर एक सब्जेक्ट होगा उसके अंतर्गत एमपी ज्योग्राफी और डिजास्टर मैनेजमेंट। तो ज्योग्राफी जो यूपीएससी में पढ़ते हैं पूरा का पूरा ज्योग्राफी तो यहाँ पे पढ़ना ही पड़ता है, साथ ही साथ एमपी की ज्योग्राफी को आपको और डिटेल से पढ़ना पड़ता है, क्योंकि एमपी ज्योग्राफी यूपीएससी में हमें नहीं पढ़ने को मौका मिलता, वो हमें कहां पे मिलता, स्टेट पीएससी में मौका मिलता। तो एमपीपीएससी के मेंस के पहले पेपर में कितने सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा, तो एमपीपीएससी मेंस के पहले पेपर में आपको 10 सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा, 5 इतिहास के सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा, 5 आपको किसके सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा, भूगोल के सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा। अभी जो अपनी क्लासेस शुरू होंगी तो वो इतिहास में मैं शुरू करूंगा और जो भूगोल में शुभम सर आपकी शुरू करेंगे क्लासेस, तो वो दोनों यूपीएससी और एमपीपीएससी में दोनों एक कॉमन है। मैं अभी उसमें और डिटेल से आया, ये तो बहुत छोटी पिक्चर आपको बताया, अब और डिटेल में अपन आएंगे तो उसको देखेंगे। तो ये यहाँ पर टोटल 10 सब्जेक्ट हुए एमपीपीएससी में। उसके बाद इसका, ये तो केवल हमारा कौन सा था, पेपर 1 का। पेपर 1 के बाद पेपर 2 आता है, इसका दूसरा हिस्सा आता है, पेपर 2 होता है एमपीपीएससी का। पेपर 2 एमपीपीएससी के पेपर 2 में भी टोटल जो सब्जेक्ट पढ़ना पड़ता है, ये पेपर 2 में हमको जो सब्जेक्ट पढ़ना पड़ता है वो कितना सब्जेक्ट पढ़ना पड़ता है, तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे पेपर 2 में हम सब्जेक्ट पढ़ेंगे तो इसके 2 हिस्से हैं, पार्ट A और पार्ट B। तो यहाँ पे हमको पढ़ना पड़ता है पॉलिटी के बाद पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और थिंकर, पॉलिटी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और थिंकर, ये आपके पेपर 2 का एक हिस्सा होता है। 3 सब्जेक्ट ऊपर की तरफ पढ़ते हैं, इंडियन पॉलिटी जिसमें गवर्नेंस भी शामिल होती है, इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस, फिर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और फिर हमारा क्या पढ़ता है, थिंकर हमें पढ़ना पड़ता है। यहाँ पे पार्ट 2 के अंतर्गत हम 2 विषयों को पढ़ते हैं, 2 विषयों का नाम होता है इकोनॉमिक्स और सोशल इशू। 2 विषयों का नाम क्या होता है, इकोनॉमिक्स और सामाजिक न्याय। जो आपने ऊपर यूपीएससी में भी सामाजिक न्याय एक शब्द सुना था आपने, सोशल जस्टिस, तो वो सोशल जस्टिस हमको यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा। वहां पे हमने क्या पढ़ा था, इकोनॉमिक्स, तो यहाँ पे इकोनॉमिक्स पढ़ा था, वहां पे पॉलिटी और गवर्नेंस पढ़ा था, यहाँ पे पॉलिटी और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हो जाता, वो लगभग एक ही नेचर का होगा, पॉलिटी और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पे होता है। इसके बाद यहाँ पे आता है पेपर 3। पेपर 3 के अंतर्गत हमको जो पढ़ना पड़ता है, पेपर 3 के अंतर्गत जो पढ़ना पड़ता है वो होता है साइंस, है ना। पहला साइंस के अंतर्गत बेसिक साइंस में क्या क्या होता है, तो बेसिक साइंस के अंतर्गत आता है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। तो तीनों बेसिक साइंस मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ्स, ये आपको यहाँ पे पढ़ना पड़ता है मैथ्स में। तो ये 4 विषय फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ्स को क्लब को क्या बोल देते हैं, साइंस बोल देते हैं, वो हमारा क्या हुआ, साइंस। उसके बाद हमें यहाँ पे पढ़ना पड़ता है टेक्नोलॉजी, यूपीएससी में भी हमने देखा था टेक्नोलॉजी, वहां पे भी साइंस देखा था, यहाँ पे भी वही टेक्नोलॉजी होगा। फिर हमारा एनवायरमेंट और एनर्जी एक क्लब है, और उसके बाद हमारा होता है मैथ्स, अच्छा मैथ्स ऊपर लिखा। तो ये हमारा 3 पेपर होंगे, ये हमारे क्या होंगे, 3 पेपर। तो कुल मिला के इनके सारे जो सब्जेक्ट हैं, अगर लेवल पे आगे हम देखेंगे तो उनकी संख्या होती है 30। तो स्टेट पीएससी में आपको 30 यूनिट बोला जाता है कि GS 1, 2, 3 में मिला के हम टोटल लगभग 30 यूनिट के आसपास वहां पे पढ़ते हैं। उसके बाद पेपर 4 जो इथिक्स हमने शब्द वहां पे देखा था, वो इथिक्स यहां पे आपको सेम पढ़ना पड़ेगा, वो इथिक्स यहां पे क्या होगा, सेम तरीके से आपको यहां पे इथिक्स को पढ़ना पड़ेगा। इथिक्स कितने अंक का होता है, 200 अंक का होता है, वहां पे इथिक्स कितने का हो रहा था, 250 अंक का, यहाँ पे उसके अंक थोड़े कम हो जाते हैं। वहां पे हिंदी केवल क्वालिफाइंग थे, यूपीएससी में हिंदी के मार्क्स आपके अंतिम इंटरव्यू में नहीं जुड़ते, यूपीएससी में हिंदी के मार्क्स आपके अंतिम इंटरव्यू में नहीं जुड़ते हैं, लेकिन यहाँ पे आपके हिंदी के जो अंक होंगे वो आपके अंतिम इंटरव्यू में जुड़ेंगे, है ना। यहाँ पे हिंदी के मार्क्स जो होंगे वो अंतिम तरीके से जुड़ते हैं। एमबीपीएससी अगर आप करना चाहते हो तो हिंदी पे आपकी कमांड होनी चाहिए, अगर आपकी हिंदी पे कमांड नहीं है तो फिर आपको नहीं होता है ना। तो जो इंग्लिश
माध्यम वाले, क्योंकि आप में से लगभग आधे बच्चे जो है वो इंग्लिश मीडियम वाले हैं, तो इंग्लिश मीडियम वाले जो बच्चे होंगे उनको हिंदी पे बहुत डिटेल में कमांड होनी चाहिए, है ना। अगर वो हिंदी नहीं निकाल पाते तो MBBS में सिलेक्शन नहीं हो पाता, है ना। तो इंग्लिश वालों का सिलेक्शन ज्यादा है, लेकिन हिंदी पेपर के माध्यम से भी होता है, तो हिंदी पढ़ना पड़ता है, जो चाहे इंग्लिश मीडियम हो हिंदी मीडियम, हिंदी पढ़ना पड़ेगा। और दूसरा होता है हिंदी निबंध, यहाँ पर दूसरा सब्जेक्ट होता है निबंध, निबंध भी आपको हिंदी में लिखना है, निबंध भी आपको कैसे लिखना है, हिंदी में लिखना होता। तो ये दोनों विषयों के अंतर्गत आप क्या लिखते हैं, हिंदी को यहाँ पे लिखते हैं, है ना। इन दोनों विषयों में आप क्या लिखते हैं, हिंदी लिखते हैं। अंतिम में यहाँ पे इंटरव्यू जो होता है वो 175 नंबर का होता है। MBBS में इंटरव्यू कितना होता है, 175 नंबर का इंटरव्यू होता है। तो इसमें टोटल आपके जो नंबर होते हैं वो कितने होते हैं, 1575 नंबर होते हैं। टोटल कितने नंबर होते हैं, 1575 नंबर होते हैं। इन 1575 नंबर के आधार पे आपका अंतिम चयन होता है, जिससे स्टेट PSC की एग्जाम में आपको डिफरेंट पोस्ट मिलती है। तो ये तो एक बात थी कि भाई मेंस के सिलेबस में क्या क्या समानता है, क्या असमानता है UPSC और स्टेट PSC की। अभी बात पूरी इसमें डिटेल में करेंगे, पहली बात हुई। अब मेंस के सिलेबस के बाद अगली अगर अपन बात करें तो फिर बात करते हैं प्री के सिलेबस पे, है ना। प्री के सिलेबस पे दोनों पे इतनी बात समझ आई बेटा आपको, स्पीड ज्यादा तो नहीं हो रही है, समझ आ रहा है, पल्ले पड़ पा रहा है इनकी, है ना, पल्ले पड़ रहा है सभी को, ठीक है। अभी क्योंकि ये तो क्या है, क्विक बात है, जब कल हम शुरू करेंगे तो हिस्ट्री से, तो हिस्ट्री का फिर पूरा डिटेल में पोस्टमार्टम करेंगे। ये तो एक जनरल बात कर दी, बहुत सुपरफिशियल से, मतलब ये बहुत छोटी सी बात है। अब जब अपन हिस्ट्री पर जाएंगे तो हिस्ट्री को फिर बहुत डिटेल में देखेंगे कि हिस्ट्री के अंदर क्या क्या होगा। तो ये तो हमारा क्या बात हुई, मेंस में। अभी फोकस हमारा मेंस पे होना चाहिए, क्योंकि मेंस हमारी समझ बढ़ाता है, मेंस हमारी अंडरस्टैंडिंग को बहुत मजबूत करता है। हम प्री को उसके साथ ही साथ तथ्यों को उसके साथ रख के आगे बढ़ने का काम करेंगे, है ना। हम मेंस को पढ़ेंगे, मेंस के साथ प्री के तथ्यों को हम वहां पे देखेंगे और उसको मजबूत करने का काम करेंगे। तो अब हमारा क्या होता है, अब हमारा होता है प्री। तो अब प्री में वापस से आपके दो पेपर होते हैं, प्री में चाहे UPSC का प्री हो या MBBS का प्री हो, इनमें दो पेपर होते हैं, है ना। कई बार UPSC का प्री सिंपल हो जाता है, MBBS का बहुत टेक्चुअल आता है, तो कई बार वो टफ हो जाता है। कई बार UPSC का प्री भी CCET में परेशान हो जाते हैं, तो क्वालिफाइंग नहीं हो पाते हैं, है ना। कितने ही आप पढ़ लो लेकिन CCET में नहीं हो पाए, मतलब ज्यादातर इस बात तो ऐसे ऐसे बच्चे थे जो IIT से पास आउट थे, NIT से पास आउट थे, वो CCET के पेपर नहीं निकाल पाए, क्योंकि CCET इस बार इतना ड्रास्टिक तरीके से आया पेपर कि ज्यादातर लोगों को पल्ले ही नहीं पड़ा, है ना। UPSC में CCET बहुत ज्यादा इस बार का खतरनाक टाइप से आया, तो स्टेट PSC में ऐसा नहीं आता। लेकिन स्टेट PSC में फायदा क्या हो जाता है, CCET अच्छा है तो आप फॉरेस्ट सर्विस भी दे पाओगे, आप रेंजर के लिए एलिजिबल हो पाओगे, तो वो आप वहां पे एलिजिबल होते हो, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारा जो सिलेबस है उसमें पहला पेपर क्या है ना, तो जो मैं अभी बात कर रहा हूँ GS की, ये सिलेबस जो दिया है ये UPSC के GS का सिलेबस दिया, सिलेबस इतना सा लिख दिया, लेकिन इसमें बहुत सारा है, मतलब इसमें जो कुछ हो सकता है सब कुछ इसके अंदर शामिल है। सिलेबस ये मैंने एक्चुअल जो सिलेबस था उसको ही उठा के यहाँ पे पेस्ट किया, मैंने कुछ घटाया बढ़ाया नहीं है। तो आप अगर UPSC का नोटिफिकेशन डाउनलोड करते हो तो UPSC के नोटिफिकेशन में केवल इतना ही लिखा हुआ है कि UPSC प्रीलिम्स में क्या क्या आएगा, तो केवल ये चीज लिखी हुई है, है ना, केवल ये चीज लिखी हुई है। लेकिन UPSC के मेंस में क्या आएगा उस पर अलग से देखेंगे। तो ये UPSC का प्रीलिम्स का सिलेबस है, देन यहाँ पे सिलेबस किसका, तो MBBS प्रीलिम्स का सिलेबस है, देन यहाँ पे क्या है हमारा MBBS प्रीलिम्स का सिलेबस। तो मेंस का अपन ने थोड़ा सा देखा, थोड़ा सा, अब हम प्रीलिम्स का थोड़ा सा देखते हैं। मैं ये चाहूंगा कि आप सब इसको नोट करते चलो, जो मैंने नोट्स मेकिंग बोला ना वो बाद में नहीं होगी, आज से चालू होगी, है ना, क्योंकि ये सिलेबस भी आपको करना है। एक प्रिंट आउट हम दे देंगे लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो आप अपने पास रिकॉर्ड रहेगा ना। तो बेटा हम ऐसा अभी इनको नोट करते चलो, पेन को घिसते चलो, और मेहनत करने की आदत अभी से डालो इन्हें, ठीक है। तो चलो आ जाओ, अब UPSC का प्रीलिम्स का सिलेबस को हम देखते हैं। तो प्रीलिम्स के सिलेबस में सबसे पहला बिंदु, इसको मैं बाद में लूंगा, पहला विषय जो होता है उसको बोलते हैं भारतीय इतिहास और राष्ट्रीय आंदोलन। पहला जो विषय है उसको अपन क्या बोलते हैं, हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट। इसको आप याद रखोगे क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट, मतलब भारत का इतिहास। सामान्यतः ये इतिहास जो आता है वो UPSC में प्रीलिम्स में मॉडर्न हिस्ट्री अप्रोच आती है, मॉडर्न हिस्ट्री से ज्यादा प्रश्न आते हैं, लेकिन कई बार एंशियंट और मिडिवल से भी आ जाते हैं। मुख्य रूप से ये इतिहास जो होता है वो UPSC का
वो अगर हम देखेंगे तो उसमें क्या रहेगा, वो मॉडर्न हिस्ट्री का रहेगा, वो क्या रहेगा, मॉडर्न हिस्ट्री यहाँ पे आपको पढ़ना पड़ेगा। तो पहला सब्जेक्ट आपको क्या पढ़ना, मॉडर्न हिस्ट्री है ना, उसमें एंशियंट मीडिवल थोड़ा थोड़ा सा पार्ट होता है, लेकिन हम शुरुआत एंशियंट मीडिवल से ही करेंगे क्योंकि मेंस में तो एंशियंट मीडिवल होता ही है ना। तो ये क्या हुआ, मॉडर्न हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री आपको बहुत डिटेल में पढ़ना है एक बात। मॉडर्न हिस्ट्री के बाद दूसरी चीज यहाँ पे आती है इंडियन ज्योग्राफी, भारत का भूगोल, और दूसरा हिस्सा होता है विश्व का भूगोल। दूसरा हिस्सा क्या होता है, विश्व का भूगोल। तो भारत का भूगोल और विश्व का भूगोल यहाँ पे दूसरा यूनिट है, दूसरा विषय है। तो एक विषय आपका क्या हुआ, भारत का इतिहास, राष्ट्रीय आंदोलन, भारतीय इतिहास और राष्ट्रीय आंदोलन। दूसरा विषय आपका क्या हुआ, तो दूसरा विषय हुआ भारत और विश्व का भूगोल। दूसरा विषय हमारा क्या हुआ, भारत और विश्व का भूगोल, ये आपका दूसरा विषय हुआ। भारत और विश्व के प्राकृतिक, सामाजिक, आर्थिक भूगोल के संदर्भ में यहाँ पे चर्चा की जाती है, ठीक है। तो ये भारत और विश्व का भूगोल दूसरा विषय है। तीसरा विषय जो होता है उसके अंतर्गत होता है भारत का राजतंत्र, इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस, इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस यहाँ पे तीसरा विषय होता है। ये विषय मेंस में भी होंगे, ये सारे विषय जो होंगे वो मेंस में भी होंगे, लेकिन यहाँ पे भी वो है। मेंस में भी हमने देखा था भारत का इतिहास, देखा था मेंस में भारत का इतिहास अभी देखा था, फिर भारत का भूगोल और विश्व का भूगोल देखा था। अब यहाँ पे हमारा क्या, पॉलिटी एंड गवर्नेंस। पॉलिटी और गवर्नेंस में अगर हम देखेंगे तो कॉन्स्टिट्यूशन होगा, पॉलिटी और गवर्नेंस के अंतर्गत कॉन्स्टिट्यूशन होगा, पॉलिटिकल सिस्टम होगा, पंचायती राज होगा, पब्लिक पॉलिसी होगा और राइट इशू होगा, और उसके संदर्भ में क्या होगा, राइट इशू होगा। तो ये क्या होगा, इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस आपका तीसरा विषय है ना, तीसरा विषय जो आपको पढ़ना। चौथा विषय इसके अंतर्गत होता है वो होता है इकोनॉमिकल डेवलपमेंट। चौथा विषय यहाँ पे जो पढ़ना है यूपीएससी प्री के लिए, चार मेजर विषय में वो है इकोनॉमिक्स, वो चौथे विषय को आप क्या बोलते हो, इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स में क्या होता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट है ना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, पॉवर्टी, उसके बाद है ना पॉवर्टी, उसके बाद अगर हम देखेंगे तो डेमोग्राफी, और आपकी जो सोशल सिक्योरिटी है या सोशल सेक्टर है उसमें जो जो इनिशिएटिव लिया गया तो वो आपका यहाँ पे लिया जाएगा। तो आर्थिक और सामाजिक विकास, सतत विकास, गरीबी समावेशन, जनसंख्या सनांकी, ऐसे ऐसे कुछ नाम आपको मिलेंगे। ये सारे जो नाम हैं, ये सारी जो चीजें हैं, वो किसके अंतर्गत आती है, आर्थिक और सामाजिक विकास के अंतर्गत आती है। तो ये अपना वहां पे होगा। उसके बाद यहां पे क्या आता है, एनवायरमेंट, यहां पे क्या आता है, एनवायरमेंट और इकोलॉजी। एनवायरमेंट इकोलॉजी के अंतर्गत बायोडायवर्सिटी है ना, क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट चेंज, ये सारी जो चीजें हैं वो आपके प्रीलिम्स में आएंगी। तो ये पांचवें विषय, पांचवें विषय थोड़ा सा विशाल है, तो ये पांचवें विषय होगा। छठवें विषय के अंतर्गत जो आता है वो आता है जनरल साइंस। छठवें विषय अंतर्गत आता है जनरल साइंस, जो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी आता है ना, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी आता है। अब यूपीएससी बस यहीं से आपको बेवकूफ बनाना शुरू कर देता है ना, यूपीएससी यहीं से आपको बेवकूफ बनाना शुरू कर देता है। सिलेबस देख के लगता है केवल छह सब्जेक्ट, लेकिन पेपर देख के लगता है कि यार पेपर इन छह सब्जेक्ट को छोड़ के सब जगह से आता है। पेपर में जो आता है वो इन छह सब्जेक्ट से नहीं आता, इन छह सब्जेक्ट को छोड़ के सब जगह से आता है। आजकल समय के साथ प्रीलिम्स बहुत कॉम्पिटिशन होता जा रहा है, यूपीएससी के प्रीलिम्स में कॉम्पिटिशन आता जा रहा है। तो उसको भी पता है, मतलब आजकल एक जोक काफी यूपीएससी की फर्टिनिटी में चलता है कि कोचिंग वाले या बच्चे पढ़ने वाले जो सब कुछ चढ़ लेते हैं उसको छोड़ के ही यूपीएससी कुछ नया पूछता है, हर साल ऐसा हो रहा है। यूपीएससी का कटअप का आप अनुमान लगाओगे कितना जाएगा, 200 नंबर में से कितना कटअप जाता होगा, कोई अनुमान, गेस लगाओ। चलो एक मिनट और बताओ, हाँ क्या है, कितना जाता है, 90-95, और बताओ बाकी लोग कितना अनुमान लगाओगे, 200 क्वेश्चन में से कितना कटअप जाना चाहिए, 130, ओके, और 80-85, ठीक है। तो 200 नंबर में से 80 नंबर कटअप जा रहा, पिछले बार का 80 नंबर कटअप गया है, मतलब 100 क्वेश्चन में से 40 क्वेश्चन आप सही कर दो आप सेलेक्ट हो जाओगे। तो बात यह है कि सिलेबस जो लिया उसके बाहर से ही सब चीजें पूछता है। तो पहला पहला काम तो हमें सिलेबस कंप्लीट करना है, क्योंकि ये नहीं होगा कि सिलेबस में से आ गए तो फिर हम उसको गलत नहीं करके आएंगे। सिलेबस तो एक बेसिक सीढ़ी होती है, सिलेबस तो एक बेसिक सीढ़ी होती है जिसको पढ़ लेंगे। लेकिन आजकल जो पैटर्न है पिछले 3-4 साल से कि सिलेबस के बाहर ही सब चीजें पूछ रहा है, सिलेबस से कुछ नहीं पूछ रहा, तो वो जो चीजें है वो यूपीएससी में होता है लगभग 80 नंबर के आसपास कटअप जाता है ना। ये अच्छा, ये क्यों जाता है, क्योंकि यहाँ पे होती है नेगेटिव मार्किंग, 1/3 की नेगेटिव मार्किंग। आप लोग होते हो तुक्के लगाने माहिर है ना, वो मुझे पता है कितने तुम्हारे हो तुक्के लगाने, जय श्री राम, जय हनुमान है ना, ये लगाते हो तो तुक्के लगाने माहिर। तो वो तुक्के यहाँ पे बिल्कुल नहीं चलते, जितने तुक्के लगाओगे उतने माइनस होते जाते हैं है ना, उतना हमारे अंक कितने होते हैं, माइनस होते जाते हैं। तो फिर वो जो होते हैं ना वो उतना इफेक्टिव नहीं हो पाता, फिर उतना इफेक्टिव नहीं होता। तो उसके लिए तो फिर अपन को क्या करना पड़ता है, एकदम नॉलेज होगा और सही होगा तो ही वो। तो ये आपके टोटल 6 मेजर सब्जेक्ट के रूप में देखा, 7वां सब्जेक्ट
सब्जेक्ट जो यहाँ पे डाला नहीं है उससे भी क्वेश्चन आते हैं, वो होता है टेक्नोलॉजी, वो होता है साइंस के साथ टेक्नोलॉजी, तो वहां से भी आपके प्रश्न आते हैं। ठीक है, मेरी बात समझ आ गया। तो ये अपने पूरा एक सिलेबस का हिस्सा था कि यूपीएससी प्रीलिम्स में क्या है। तो मैं इसीलिए बोलता हूँ कि केवल प्रीलिम्स की अप्रोच से चलेंगे तो शायद हम प्रीलिम्स को नहीं निकाल पाएंगे। हम जो अप्रोच रखे वो क्या रखे, मेंस वाली, कि हमने सब कुछ पढ़ लिया कि भाई तुम मेंस में जो पूछते हो सब पूछ लो, तो फिर हमारा थोड़ी सी पॉसिबिलिटी रहती है, क्योंकि ज्यादातर स्टूडेंट चाहे यूपीएससी या एमबीपीएससी में पढ़ते क्या रहते हैं, प्रीलिम्स के हिसाब से रट्टा मारते रहते हैं, तो वो रट्टे मारने से आजकल सिविल सर्विस नहीं निकलता, ना तो यूपीएससी निकलता ना आपका पीएससी निकलता। उसमें क्या चाहिए, हमको बहुत डेप्थ नॉलेज चाहिए। वो डेप्थ नॉलेज कब आता, वो डेप्थ नॉलेज कब आता, जब अपन उसको बहुत डिटेल से गहराई से पढ़ेंगे, खासकर मेंस के नजरिए से हम उसको पढ़ने का प्रयास करेंगे, तो फिर ये बहुत बेहतर हमारा होता है। ठीक है, तो ये हमारा हुआ। अब इसके बाद अगर अपन देखें तो अगला फिर आपका आता है एमबीपीएससी प्री। तो ये सिलेबस हमारा यूपीएससी प्री का था, समझ आया, मतलब इतना ही समझना है, इसको आगे तो हम समझाएंगे। मतलब आज केवल एक सब्जेक्ट समझ लेना, बहुत हल्की सी बात बोलो कि हमको हिस्ट्री पढ़ना है, हमको ज्योग्राफी पढ़ना, हमको क्या पढ़ना, पॉलिटी पढ़ना, हमको इकोनॉमिक्स पढ़ना, हमको साइंस पढ़ना, हमको क्या पढ़ना, हमको एनवायरमेंट पढ़ना, हमको इकोलॉजी पढ़ना। ये सब्जेक्ट के नाम याद रखो आज, है ना, आज याद रखो नाम को, फिर कल जब हम क्लास शुरू करेंगे तो हिस्ट्री में भाई बोल देंगे कि भाई हिस्ट्री में अब हमको एंशियंट हिस्ट्री पढ़ना, तो फिर आपको स्पेसिफिक हो जाएगा कि ये टॉपिक कहाँ से पढ़े, क्योंकि ये पढ़ने में तो बहुत सारा वो रहेगा। तो अभी केवल इतना याद रखना। उसके बाद आपका होता है एमबीपीएससी प्री। एमबीपीएससी प्री का सिलेबस थोड़ा सा डिटेल में यहाँ पे दिया गया, जो हमारे मूल सिलेबस है उसमें डिटेल में दिया गया। तो एमबीपीएससी प्री के सिलेबस में अगर हम बात करें तो टोटल सब्जेक्ट जो है उनकी संख्या 10, टोटल सब्जेक्ट जो है उनकी संख्या 10। अच्छा, यहाँ पे एक चीज मैंने स्किप की थी, करंट अफेयर्स, है ना, वो अच्छा, ये सब जो बाहर से पूछता वो किस आधार पे पूछ लेता, तो उस पे पूछ लेता कि वो बोल देता हमने करंट अफेयर्स से पूछा। हर चीज दुनिया में कहीं ना कहीं रोज घटित हो रही होती है, है ना, कहीं ना कहीं पे कुछ रोज घटित हो रहा होता, तो हर चीज उठा के पूछ लेता कि हम जो क्या बोल देता कि हमने करंट अफेयर्स से पूछा था, या तो है ना ऐसी घटना है, है ना, किसी देश अफ्रीका के किसी जुबूती देश की किसी राजधानी में घटना हुई थी, तुमने क्यों ध्यान नहीं रखा, है ना, तुमने क्यों ध्यान नहीं रखा, तो वो पूछ के आपको यूपीएससी से थोड़ा सा परेशान किया जाता है। तो अब आपको करंट में उसमें बहुत ध्यान रखना। अब आते हैं एमबीपीएससी के मेंस के बाद, है ना, एमबीपीएससी मेंस की अगर हम बात करें तो एमबीपीएससी मेंस में अगर हम देखेंगे तो टोटल वापस हमारे पास जो विषय होते हैं उनकी संख्या 10। टोटल कितने विषय हैं, तो एमबीपीएससी मेंस में टोटल विषयों की संख्या होती है आपकी 10, है ना, सॉरी एमबीपीएससी प्री में, एमबीपीएससी प्री में टोटल विषयों की संख्या होती है 10। 10 सब्जेक्ट आपको यहाँ पे पढ़ना होता है, 10 सब्जेक्ट में से लगभग 7 सब्जेक्ट यूपीएससी और एमबीपीएससी के एक साथ मिलेंगे, 7 सब्जेक्ट यूपीएससी और एमबीपीएससी के प्री के एक साथ मिलेंगे। वो सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं, उन सब्जेक्ट को बोलते हैं मध्य प्रदेश का इतिहास, संस्कृति और साहित्य, एक पहला, तो ये मध्य प्रदेश का इतिहास है, यूपीएससी में हम इसके संदर्भ में बात नहीं करते हैं, है ना, यहाँ पे हम उसके संदर्भ में बात नहीं करते, तो ये हमारा क्या होता है, ये हमारा होता है कि मध्य प्रदेश का इतिहास, संस्कृति और साहित्य, एक हमारा वो हुआ, तो हिस्ट्री कल्चर एंड लिटरेचर होता है मध्य प्रदेश, पहला बात, है ना, हिस्ट्री कल्चर एंड लिटरेचर होता मध्य प्रदेश। तो इसमें मध्य प्रदेश के इतिहास, मध्य प्रदेश की एंशियंट हिस्ट्री, मध्य प्रदेश की मीडियल हिस्ट्री, मध्य प्रदेश की मॉडर्न हिस्ट्री और मध्य प्रदेश के आर्ट एंड कल्चर को पढ़ना होता। अभी केवल आप याद रखोगे पहले चैप्टर का नाम क्या है, मध्य प्रदेश इतिहास। एमबीपीएससी जो कर रहे हो उनको यह बात सपने में भी याद होना चाहिए, एमबीपीएससी का पहला चैप्टर है मध्य प्रदेश का इतिहास, कला और संस्कृति, एक बात, है ना, प्री का। उसके बाद हमारा कौन सा था, उसके बाद इसका दूसरा चैप्टर है भारत का इतिहास। अभी हमने देखा था भारत का इतिहास, यूपीएससी में भी भारत का इतिहास है, यूपीएससी के मेंस में भी भारत का इतिहास है, यहां पर भी वो हमें क्या मिलेगा, भारत का इतिहास मिलेगा, यहां पर भी हमें क्या मिलेगा, भारत का इतिहास मिलेगा। तो भारत के इतिहास में प्राचीन काल, मध्यकाल, है ना, भारत के इतिहास के अंतर्गत क्या होगा, प्राचीन काल, मध्यकाल और भारत का आधुनिक भारत का इतिहास, यह पूरा भारत का आधुनिक भारत का इतिहास। यूपीएससी के प्री में भी ऊपर की तरफ मैंने आपको भारत का इतिहास बताया था, है ना, ऊपर की तरफ मैंने आपको क्या बताया था, भारत का इतिहास। तो दूसरा जो चैप्टर है उसका नाम क्या हुआ करता था, उसका नाम जो होता है वो भारत का इतिहास, दूसरे चैप्टर का नाम होता है, दूसरे चैप्टर का नाम क्या, भारत का इतिहास होता है। तीसरा मध्य प्रदेश का भूगोल, ये हमारा तीसरा चैप्टर है जिसका नाम क्या होगा, मध्य प्रदेश का भूगोल, कि मध्य प्रदेश के भूगोल में मध्य प्रदेश के वन, वनोपज, वन्यजीव,
नदियां, पर्वत श्रृंखलाएं आदि इसके अंतर्गत आते हैं। मध्य प्रदेश के वन, वनोपज, वन्य जीव, नदियां, पर्वत श्रृंखला इसके अंतर्गत आती है। मध्य प्रदेश की जलवायु, प्राकृतिक संसाधन और मध्य प्रदेश के भूगोल से जुड़े हुए सारे विषय इसके अंतर्गत आते हैं। मध्य प्रदेश के भूगोल से जुड़े हुए सारे विषय यहाँ पे आएंगे। तो ये हमारा क्या होता है, इस चैप्टर का नाम क्या, मध्य प्रदेश का भूगोल। उसके बाद अगर हम देखेंगे तो जो ऊपर की तरफ हमने देखा था वो क्या था, भारत और विश्व का भूगोल, वो हमारा क्या होगा, भारत और विश्व का भूगोल। तो ये हमारा चौथा चैप्टर, चौथा चैप्टर हमारा क्या, भारत और विश्व का भूगोल, है ना, भारत और विश्व का भूगोल, ये हमारा चौथा चैप्टर यहाँ पे होगा। ठीक है, भारत के भूगोल, विश्व का भूगोल हम यहाँ पे देखेंगे। उसके बाद हमारा अगला जो चैप्टर होता है उसका नाम है भारत की संवैधानिक व्यवस्था या भारत की अर्थव्यवस्था। अगला चैप्टर क्या है, भारत की संविधान, सॉरी, मध्य प्रदेश की संवैधानिक व्यवस्था, मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था। ये हमारा चैप्टर नंबर कौन सा होता है, यह होता है चैप्टर नंबर 5। तो चैप्टर नंबर 5 क्या है, मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था, मध्य प्रदेश का, है ना, मध्य प्रदेश की राज्य व्यवस्था। तो ये हमारा चैप्टर नंबर 5 होता है। चैप्टर नंबर 6 होता है भारत का संविधान और अर्थव्यवस्था। चैप्टर नंबर 6 होता है भारत का संविधान और अर्थव्यवस्था, है ना, चैप्टर नंबर 6 होता है भारत का संविधान और अर्थव्यवस्था, ये हमें पढ़ना रहेगा। ठीक है, उसके बाद चैप्टर नंबर जो 7 है उसका नाम होता है विज्ञान और पर्यावरण। जैसे हमने यूपीएससी के प्री में देखा था विज्ञान वहां पे था, यहां पे भी क्या होगा, विज्ञान और पर्यावरण यहां पे अगले विषय। तो हमारा क्या होगा, विज्ञान के मौलिक सिद्धांत और पर्यावरण यहां पे रहेंगे, है ना, विज्ञान और मौलिक सिद्धांत और विज्ञान के साथ ही साथ हमारे क्या होंगे, पर्यावरण होंगे, जिसमें पर्यावरण, जैव विविधता, पारिस्थितिक तंत्र, पोषण, आहार, पोषक तत्व, ये सारी चीजें यहां पे रहेंगी। उसके बाद अगर हम देखें तो हमारा होता है अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय समसामयिक घटना, जो मैंने अभी बोला था यूपीएससी में सबसे ऊपर यही लिखा हुआ था। तो यूपीएससी में सबसे ऊपर जो लिखा हुआ था वो आपका क्या होगा, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय समसामयिक घटना है, वो यहाँ पे होता है। अगला यहाँ पे एक नया चैप्टर है जिसका नाम है सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, है ना, नवा चैप्टर होता है जिसका नाम होता है सूचना और संचार प्रौद्योगिकी। नवा चैप्टर है जिसका नाम है सूचना और संचार प्रौद्योगिकी। और 10वां चैप्टर होता है जिसमें बहुत सारी संवैधानिक और गैर संवैधानिक संस्थाएं, मतलब वहां पे नेशनल एंड रीजनल कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी यहाँ के अंतर्गत होती है, है ना, रीजनल और कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी यहाँ पे होंगी। तो ये चीजों को हम यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, तो ये 10 चैप्टर के नाम मैंने बताया क्या क्या था। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, है ना, नेशनल रीजनल बॉडी वहां पे होगी, उसके बाद इंटरनेशनल और आपके नेशनल जो थे करंट अफेयर्स, साथ ही साथ अगर हम देखेंगे तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी इसके अंतर्गत, उसके बाद इंडियन पॉलिटी, एमपी की पॉलिटी, इंडियन ज्योग्राफी, एमपी ज्योग्राफी और वहां पे हिस्ट्री। तो ये ओवरऑल प्री और मेंस का सिलेबस हमने पूरी तरह से देखा कि भाई प्री और मेंस में क्या क्या सिलेबस होगा। अभी दिमाग में बहुत सारी चीजें अब घूमने लगी होगी, अब कंफ्यूजन होगा कि ये प्री में है या ये मेंस में है, ये प्री में है या ये मेंस में है, एमपी में क्या है, यूपी में क्या नहीं, एमपी में क्या है, यूपीएससी में क्या नहीं है, बहुत सारी कम। तो ये तो एक होलिस्टिक तरीके से मैंने बता दिया, अब इन चीजों को मैं सिंपल तरीके से आपको कर देता हूं, बहुत सिंपल तरीके से, ताकि आप इन चीजों को समझ पाए। अभी मैंने क्या था, जो लिखा हुआ वहां पे वैसे बताया, अब मैं इसको सिंपल तरीके से आपको समझाता हूं, तो उसको आप अपने दिमाग में बना के रखेंगे। ठीक है, क्योंकि जितनी आसान मान के आप आए हुए हो यूपीएससी और एमपीपीएससी को, उतनी आसान है नहीं, है ना, यह बात आप मान लेना। ठीक है, उतनी आसान ये बिल्कुल नहीं है जितनी आसान आपने मान ली है। और आपने कुछ लोगों ने अपने अंक देखे होंगे कि हम तो अपने कॉलेज में फर्स्ट रैंक पे आ गए, उससे कोई नहीं होता, ऐसे आपके कॉलेज जैसे हजारों रोज बैठे रहते हैं हमारे पास, है ना, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, जितनी सिंपल आपने माना, जितना सिंपल आप समझ रहे हो, उतनी नहीं है, इसमें बहुत सारी चीजें, और उतनी टफ भी नहीं है। अगर आप सिंसियर तरीके से मेहनत करते हो तो उतना टफ भी नहीं है, बस उस हिसाब से हमको आगे बढ़ना है। तो अब इसको मैं पूरा सिंपल तरीके से आपको बताने का प्रयास करता हूं। तो आपको अलग अलग सब्जेक्ट कौन कौन से पढ़ना है, उनमें कितनी गहराई से पढ़ना, क्या क्या टॉपिक पढ़ना। तो पहला सब्जेक्ट ले लेते हैं हिस्ट्री, पहला सब्जेक्ट ले लेते हैं हिस्ट्री। तो हिस्ट्री जो है वो उसका चार हिस्से होते हैं, छह हिस्से होते हैं हिस्ट्री के, हिस्ट्री के छह हिस्से होते हैं, तीन हिस्से दोनों जगह पे कॉमन है और तीन हिस्से दोनों जगह पे कॉमन नहीं है। तो हिस्ट्री जो मैंने पहला सब्जेक्ट लिया, हम यहाँ पे पढ़ने का पहला प्रयास करेंगे हिस्ट्री। तो हिस्ट्री के टोटल छह हिस्से होते हैं, जिनको प्री, मेंस, यूपीएससी और एमपीपीएससी सभी में हमको ये छह हिस्ट्री पढ़ना है। कौन कौन से हिस्ट्री, तो पहले हिस्ट्री का नाम है एंशियंट हिस्ट्री। पहले हिस्ट्री का नाम क्या है, एंशियंट हिस्ट्री, या हिंदी में इसको बोलते हैं प्राचीन काल। पहला हिस्ट्री कौन सा है, एंशियंट हिस्ट्री, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्राचीन काल के नाम से जानते हैं। फिर दूसरा हिस्ट्री जो होती है
वो हमारी होती है मिडाइवल हिस्ट्री। वो हमारी कौन सी होती है? मिडाइवल हिस्ट्री होती है, जिसको हम किस नाम से जानते हैं? मध्यकाल। जिसको हम किस नाम से जानते हैं? मध्यकाल। और तीसरा जो हिस्ट्री होती है वो होती है आधुनिक भारत। तीसरी जो कौन सी होती है? मॉडर्न हिस्ट्री। तीसरी जो होती है वो मॉडर्न हिस्ट्री होती है। तो आपको हिस्ट्री में तीन चीजें पढ़ना है, हिस्ट्री में तीन चीजें पढ़ना। मैं एमपी को अभी साइड में रख दे रहा हूँ, एमपी को एक अलग क्लब बना दूंगा। तो आपको चाहे यूपीएससी आप दे रहे हो या एमपीपीएससी आप दे रहे हो, आपको इन तीनों हिस्ट्री को पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, इन तीनों हिस्ट्री के साथ ही साथ यहाँ पे इन तीनों का आर्ट एंड कल्चर भी शामिल हो जाता है। मतलब तीनों हिस्ट्री और तीनों के आर्ट एंड कल्चर को आप पढ़ेंगे। मेरी बात समझ आ रही बेटा? तो पहला विषय जो आपको पढ़ना है उस विषय का नाम है इतिहास। उस विषय का नाम है इतिहास। कल से हमारी क्लास चालू होगी, उसमें हम इतिहास को पढ़ेंगे और हम प्राचीन इतिहास से शुरू करेंगे। ठीक है, उसमें हम इतिहास को पढ़ेंगे और उसमें प्राचीन इतिहास से शुरू करेंगे। बात समझ आ गई? एक हिस्ट्री के बाद जो दूसरा सब्जेक्ट आता है वो दूसरा सब्जेक्ट का नाम होता है ज्योग्राफी, है ना। वो हमारा दूसरा सब्जेक्ट होता है उसको हम किस नाम से जानते हैं? ज्योग्राफी के नाम से जानते हैं। भूगोल, है ना। भूगोल के अंतर्गत भी अगर हम देखें तो इसके अंतर्गत भी तीन मेजर सब्जेक्ट होते हैं। कौन कौन से? ज्योग्राफी, तो एक तो बोलते हैं जियोलॉजी, पृथ्वी के अंदर का विज्ञान, है ना। एक हमारा होता है जियोलॉजी, दूसरा इसके अंतर्गत होता है फिजिकल ज्योग्राफी, या इसी को क्या बोला जाता है? वर्ल्ड ज्योग्राफी। दूसरा हमारा क्या हुआ? फिजिकल ज्योग्राफी या वर्ल्ड ज्योग्राफी। और तीसरा हमारा जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं इंडियन ज्योग्राफी। तीसरा हमारा जो होता है वो हमारा क्या होता है? इंडियन ज्योग्राफी होता है। यह हमारा तीसरा सब्जेक्ट। यह हमारा कौन सा सब्जेक्ट होगा? तीसरा सब्जेक्ट के रूप में पढ़ते हैं। तो हमने क्या पढ़ा कि भैया हमको क्या पढ़ना है? तो पहला हमको हिस्ट्री पढ़ना है। पहला हमको हिस्ट्री पढ़ना है। हिस्ट्री में हमें क्या पढ़ना है? एंशियंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री। फिर ज्योग्राफी में हमको जियोलॉजी पढ़ना है, फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ना है, इंडियन ज्योग्राफी पढ़ना है। ठीक है, यह होगा। उसके बाद हमारा होता है पॉलिटी। इसके बाद हमारा जो आता है उसको हम बोलते हैं पॉलिटी। तो पॉलिटी के अंतर्गत तीन चीजें होती हैं। पॉलिटी के अंतर्गत तीन चीजें होती है। वापस से तो पॉलिटी के अंदर क्या पॉलिटी की चीजें होती है? तो एक होती है उसमें गवर्नेंस, एक उसमें होती है गवर्नेंस, या जिसको अपन हिंदी में बोलते हैं शासन। एक हमको क्या पढ़ना है? गवर्नेंस या शासन। दूसरा अपन को यहाँ पे पढ़ना है कॉन्स्टिट्यूशन। दूसरा हमको क्या पढ़ना है? यहाँ पे हमको पढ़ना है कॉन्स्टिट्यूशन। और तीसरा अगर हम इसमें देखें तो हमें क्या पढ़ना है? तो एक हमें गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, और तीसरा जो होता है वो हमारा होता है इंडियन ज्योग्राफी, है ना। तीसरा हमारा जो होता है वो सॉरी इंडियन पॉलिटी होता है। तो ये आपके हो गए पॉलिटी के हिस्से, है ना। ये पॉलिटी के हिस्से, ये चाहे यूपीएससी हो, एमबीपीएससी हो, सभी में ये एक कॉमन विषय के रूप में हमें देखने को मिलते हैं। तो पहला ग्रुप इतिहास, दूसरा हमारा भूगोल, तीसरा हमारा पॉलिटी। चौथा अगर हम देखेंगे, है ना, चौथा अगर हम देखेंगे तो वो हमारा होता है इकोनॉमिक्स, है ना। दूसरा चौथा हमारा जो होता है वो होता है इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत, इकोनॉमिक्स इंडिविजुअल में बोल दे रहा हूं, तो इसको अपन बोलते हैं इंडियन इकोनॉमिक्स। इसको अपन क्या बोलते हैं? इंडियन इकोनॉमिक्स बोल देते हैं। तो ये हमें यहाँ पे पढ़ना होता है इंडियन इकोनॉमिक्स। ये हमारा कौन सा विषय होता है? तीसरा विषय हमारा क्या होता है? इंडियन इकोनॉमिक्स के विषय के रूप में हम जानते हैं। तो ये हमारा क्या कहलाएगा? इंडियन इकोनॉमिक्स कहलाएगा। चौथा विषय इंडियन इकोनॉमिक्स है। चौथा विषय हमारा यहाँ पे जो रहेगा वो कौन सा रहेगा? इंडियन इकोनॉमिक के बाद तो यहाँ पे हमारा होता है इन्वायरमेंट। चौथा विषय हमारा, मतलब पांचवा विषय, तो ये हमारा क्या होता है? इन्वायरमेंट हमने यहाँ पे बोला। तो इन्वायरमेंट के अंतर्गत हमारा अगला विषय इन्वायरमेंट, ये भी प्री मॉन्स सब जगह हमारा वो रहेगा। ये हमारा कौन सा विषय हुआ? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। उसके बाद हमारा कौन सा विषय हुआ? उसके बाद हमारा हुआ सोशल इशू या सोशल जस्टिस। तो हमारा अगला विषय कौन सा हुआ? सोशल इशू या सोशल जस्टिस। इसके अंतर्गत हेल्थ होता है, एजुकेशन होता है, ये सारी चीजें यहाँ पे रहती है। तो ये हेल्थ होगा, एजुकेशन होगा, ये सारे सब्जेक्ट यहाँ पे होते हैं। तो ये क्या हुआ? हेल्थ है, एजुकेशन है, फिर सोसाइटी इसके अंतर्गत आता, समाज इसके अंतर्गत आता। तो ये हमारा सोशल इशू, है ना, सोशल जस्टिस वाला हमारा सब्जेक्ट होता है। ठीक है, सोशल जस्टिस वाला ये सब्जेक्ट होता। तो ये हमारा टोटल विषय होगा छह। उसके बाद सातवें मेजर विषय के रूप में आप जो पढ़ते हैं वो किसके रूप में पढ़ते हैं? टेक्नोलॉजी, है ना। वहां पर टेक्नोलॉजी को पढ़ते हैं। तो टेक्नोलॉजी एक विषय के रूप में, और उसके बाद आपका साइंस। साइंस में बेसिक साइंस होता है। तो साइंस के लेवल पे यहाँ पे जो साइंस होता है उसके अंतर्गत क्या क्या आता है? फिजिक्स, है ना, साइंस के अंतर्गत बेसिक फिजिक्स। उसके बाद आपको केमिस्ट्री, उसके बाद अगर हम देखेंगे तो वहां पे बायोलॉजी। तो साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी आपके शामिल होंगे। ये आपको प्री हो, मेंस हो, सब जगह पे कॉमन चलेंगे। तो साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी रहेगा। और
और आखिरी में यहाँ पे एक विषय है जो सभी को पढ़ना है, एथिक्स। वो हमारा कौन सा विषय? एथिक्स है। ये खासकर मेंस में आएगा, प्री में नहीं आएगा। तो ये प्री में नहीं आएगा, ये कहाँ पे आएगा? मेंस में। तो ये जो मैंने इतने विषय बताए हैं, ये यूपीएससी और एमबीपीएससी दोनों में एकदम तरीके से कॉमन है। दोनों में कहीं पर भी ऐसा नहीं है कि यहाँ पे नहीं है, वहां पे नहीं है। ये हर जगह पे कॉमन सब्जेक्ट के रूप में, कॉमन विषय के रूप में जाने जाते हैं, है ना। ये हर जगह पे किस रूप में जाने जाते हैं? कॉमन विषय के रूप में जाने जाते हैं। तो हमको इनको कवर करना होगा, है ना, हमको इनको कवर करना होगा। तो ये हुआ हमारा कॉमन विषय। अब इसके बाद अगर हम देखेंगे, है ना, इसके बाद अगर हम देखेंगे तो हमें और क्या पढ़ना है? तो केवल जो एमपी को स्पेसिफिक पढ़ना चाहते हैं, एमबीबीएससी पढ़ना चाहते हैं, तो एमबीबीएससी के लिए इनके अलावा क्या पढ़ना पड़ता है? तो इनके अलावा एमपी पढ़ना पड़ता है। एमपी के कौन कौन सी? तो एमपी की हिस्ट्री, है ना, एमपी की अगर हम देखें तो ज्योग्राफी, एमपी की हिस्ट्री, एमपी की ज्योग्राफी, एमपी की पॉलिटी प्लस एमपी की इकोनॉमी। तो इन सब चीजों को हम एमपी की नजरिए से एक अलग टॉपिक के रूप में कर लेते हैं। ये जो विषय है वो केवल एमपी में आते हैं, ये यूपीएससी में विषय नहीं आते हैं। चाहे एमपी हिस्ट्री है, एमपी ज्योग्राफी है, एमपी पॉलिटी, एमपी इकोनॉमी है, ये यूपीएससी में नहीं आएंगे, ये केवल एमपी में आएंगे। तो ये हमने देखा, है ना, जो केवल कहां पे आएंगे? एमपी में आएंगे, यूपीएससी में। और ये केवल और केवल किसका ग्रुप था? केवल एमबीबीएससी का। अब मैं यहाँ पे केवल यूपीएससी का ग्रुप बना दूं, केवल यूपीएससी का ग्रुप बना दूं, तो आईआर इंटरनेशनल रिलेशन अपन इसको बोलते हैं, ये केवल और केवल यूपीएससी में आएगा, जो सब्जेक्ट हम यहाँ पे नहीं पढ़ेंगे। आईआर और दूसरा यहाँ पे क्या? सिक्योरिटी, है ना, सुरक्षा, इंटरनल सिक्योरिटी और एक्सटर्नल सिक्योरिटी, ये जो है वो केवल यूपीएससी में आएंगे। ये केवल किस में आएंगे? यूपीएससी में आएंगे, ये स्टेट पीएससी के अंतर्गत नहीं आते हैं। आईआर, सिक्योरिटी, इंटरनल सिक्योरिटी और एक्सटर्नल सिक्योरिटी केवल यूपीएससी में आते हैं। और अगर हम देखें तो वहां पे ऑप्शनल सब्जेक्ट, तो ये ऑप्शनल सब्जेक्ट जो है वो केवल और केवल यूपीएससी में आएंगे। तो ये वाला जो पोर्शन है वो अभी अपन नहीं करेंगे, यहां वाला, ये इतना पूरा क्लब है, चाहे एमपी का स्पेशल है या ये पूरा क्लब है, इसको अपन साथ ही साथ करते जाएंगे। तो इतनी चीजें थी, मैंने इतनी देर चिल्लाया, कुछ समझ आया या नहीं आया, है ना, ये बोलो। मैं आवाज वो हो गई है, समझ आया कुछ सिलेबस क्या है? क्योंकि बेसिक सिलेबस को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है ना। जो बात मैंने बोली थी कि भाई आपको पांच चीजें करना, पांच चीजें में पहला आपके सपने में भी याद हो कि सिलेबस में क्या है। किसी ने उठा के पूछ लिया नींद में रात को 2 बजे कि भाई आप बताओ कि पॉलिटी में क्या हिस्सा है, तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए क्या कर रहे हैं? ये तो मैंने जो किया बहुत बेसिक दिया, अभी मैं सिलेबस की आपको फोटोकॉपी दे रहा हूं। आपको टास्क है कि पूरा कल पढ़ के आएंगे सिलेबस में कौन कौन से बिंदु है, कौन कौन से पेपर में क्या क्या आता है। क्योंकि जितना बेहतर हमको सिलेबस होगा उतना बेहतर क्लियर होगा ना। मतलब आपको क्या है कि आप अननोन स्थान पर जा रहे हैं, आजकल तो गूगल मैप होगा, पहले उसका मैप रखते थे। अगर आपको मैप क्लियर होगा तो आप आसानी से पहुंच जाओगे, मैप क्लियर नहीं होगा तो आप भटकते रहोगे। आज ही देख लो, आपके पास गूगल मैप नहीं हो, किसी कॉलोनी में छोड़ दो तो भटकते रहते हो आप, है ना। मोबाइल की बैटरी डिस्चार्ज हो जाए तो क्या हालत हो जाती है ना। तो वो मोबाइल की बैटरी को डिस्चार्ज नहीं किया था, वो मोबाइल की बैटरी क्या है? वो मोबाइल की बैटरी हमारा या सिलेबस। जितना ज्यादा हम सिलेबस को करेंगे उतने अंदर वो होगा। अब फिर बात आती है कि आप ये यूपीएससी और एमबीबीएससी में क्या डिफरेंस है? तो डिफरेंस है उनकी डेप्थ का, उनकी गहराई का। एमबीबीएससी में जो क्वेश्चन आते हैं वो सुपरफिशियस तरीके से आते हैं, ऊपर से आते हैं। यूपीएससी में वही क्वेश्चन, एक कोई टॉपिक ले लेते हैं, मानो हमने टॉपिक लिया क्या, मॉडर्न हिस्ट्री का एक टॉपिक लिया, मानो मॉडर्न हिस्ट्री का हमने टॉपिक लिया, वहां पे जो आपका कोई से भी टॉपिक ले लो, मान लो असहयोग आंदोलन, है ना, वहां पे हमने टॉपिक लिया असहयोग आंदोलन, या मान लो भारत छोड़ो मूवमेंट, क्विक इंडिया मूवमेंट। तो एमबीबीएससी और यूपीएससी में क्या डिफरेंस होगा वो भी मैं थोड़ा सा बता देता हूँ फिर उसके बाद। तो वहां पे जो क्वेश्चन होंगे वो एक क्वेश्चन मानो भारत छोड़ो आंदोलन से आया, तो एमबीबीएससी क्वेश्चन पूछेगा कि भारत छोड़ो आंदोलन किस डेट से भारत में प्रारंभ किया गया। एक केवल डेट पूछ लेगा 8 अगस्त 1942 को। यूपीएससी ये पूछेगा कि भाई भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया था तो निम्न में से कौन सा कारण जो था वो उसके लिए उत्तरदायी नहीं था। बात समझ आ गए? कौन सा कारण जो था वो उत्तरदायी नहीं था, बस इतना ही अंतर है इन्हें, है ना। कॉन्सेप्ट भारत छोड़ो आंदोलन यहाँ पे भी पढ़ना, वहां पे भी पढ़ना, लेकिन यहाँ पे हम क्या पढ़ते हैं? फैक्ट पढ़ते हैं, कब शुरू किया गया, आप सब पढ़ लोगे। लेकिन उसमें चार कारण दिए और बोला ये चार में से कौन सा नहीं था, तो बस इतना आपको करना। तो हमें दोनों अप्रोच रखना है। अच्छा, इससे फायदा क्या है यूपीएससी में? तो जब हम मेंस पढ़ते हैं तो मेंस में हमने 10 कारण पढ़े कि ये 10 कारण से शुरू हुआ था, ये 10 कारण से शुरू हुआ था इसलिए ये नहीं हुआ होगा। तो हम जब समझ को व्यापक करके पढ़ेंगे, समझ को वो डायमेंशन के साथ पढ़ेंगे, तो शायद आप बेहतर तरीके से, बेहतर नजरिए से उसको समझ पाएंगे। मेरी बात समझ पा रहे हो? एक काम, एक और आपको एक टास्क दे रहे हैं, है ना। वैसे तो वो टास्क ऐसा, वैसे
से वो अभी करने का टास्क नहीं है, कल या परसों के बाद से आप वो टास्क करेंगे कि दो तीन काम। हमने यहाँ पे जो टॉपिक शुरू किया, जैसे मेरी हिस्ट्री की क्लास चालू होगी, मैं शुरू करूंगा हड़प्पा सभ्यता। तो हड़प्पा सभ्यता में आपको ये पता होना चाहिए कि हड़प्पा में इससे पहले MBBSC में कौन कौन से प्री के क्वेश्चन पूछे गए। एक बात, MBBSC में इसमें मेंस के क्वेश्चन कौन से पूछे गए, UPSC में प्री में क्या पूछा गया और UPSC में मेंस में क्या पूछा गया, ये बात आपको वहां पे बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। कहां से पता करोगे, तो एक एक किताब, ऐसे एक किताब तो हम आपको दे देंगे क्योंकि MBBSC की जो प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन देती है वो हमारे पब्लिकेशन की आती है, दर्पण पब्लिकेशन की, तो वो तो आपको दे दी जाएगी। अभी आउट ऑफ स्टॉक है, अगला एडिशन जब आएगा, मतलब एक आध महीने में आएगा, तो वो आपको हम दे देंगे। लेकिन UPSC के प्रीवियस ईयर के पेपर है ना, प्रीवियस ईयर के पेपर आपके पास होना चाहिए, UPSC के प्रीवियस ईयर पेपर होना चाहिए, मेंस के प्रीवियस ईयर पेपर आपके पास होना चाहिए, MBBSC के प्री के प्रीवियस ईयर पेपर आपके पास होना चाहिए। क्योंकि हमको पता तो है कि यहाँ से क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं, सर ने एक घंटे ज्ञान पहले इससे तो कोई क्वेश्चन आया ही नहीं, ये होगा ना कि भाई सही तरीके से पढ़ा रहा है या नहीं पढ़ा रहा है ना, बहुत सिंपल बात है। तो हमें वो पता होना चाहिए कि क्वेश्चन क्या पूछे जाते हैं, क्वेश्चन कहाँ पे पूछे जाते हैं, पता कब चलेगा, जब हम प्रीवियस ईयर को देखेंगे। तो दो चीजें हो सकती है, या तो आप इंटरनेट से डाउनलोड कर लो, सब आप चलाने वाले हो, रील चलाने वाले तो शॉर्ट्स वाले तो हो ही है ना, रील शॉर्ट्स तो चलते ही होंगे, तो उनकी जगह सही यूज करना, गूगल से सही तरीके से उसको यूज करना। UPSC के पिछले 10 साल के पूरे पेपर डाउनलोड आपके पास होना चाहिए, वो डाउनलोड होना चाहिए, आपके क्लाउड में सेव होना चाहिए 10 साल के पेपर, वो चाहे प्री के हो मेंस के हो, और जो टॉपिक है उससे क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं है ना, टॉपिक है क्या क्वेश्चन, क्योंकि हमको उसी डायमेंशन में जाना है, है ना, हमको उसी डायमेंशन में जाना है, तो वो हमारे पास होना चाहिए। MBBSC की जो है वो हमको हमारी किताब दे देंगे, हमारी किताब ही आती है उसमें दर्पण पब्लिकेशन की। तो हमने तो 89 से अभी तक, मतलब पिछले 32 साल के पूरे पेपर उसमें कलेक्ट करके रखे हैं, 32 साल के पेपर ही नहीं है, उनके आंसर भी दे दिए हैं, हमारी किताब तो ऐसी है कि हमने उसमें आंसर भी दिए हुए, आंसर लिखे हुए हैं, तो वो आपको दे देंगे। तो उसमें से आप देखते रहोगे कि भाई हिस्ट्री में अगर एंशियंट हिस्ट्री है तो एंशियंट हिस्ट्री से हड़प्पा सिविलाइजेशन से एक सिस्टम आधारित व्यवस्था आधारित प्रश्न आया, वो व्यवस्था आधारित जो प्रश्न था उसका उत्तर कैसे लिखा जाता है वो अपन वहां पे देख सकते हैं, यानी कि ठीक है, तो वो हम वहां पे दे देंगे और उनको आप थोड़ा सा कवर करने का प्रयास करेंगे, यानी ठीक है। तो ये आपका वो रहेगा। अब इसमें थोड़ा सा ये है, तो इतना चीजें समझ आई, इसमें कोई डाउट नहीं है किसी को। अब कोई भी डाउट हो तो पहले आप अपने डाउट बताइए, है ना, कोई भी डाउट हो आपके तो आप पहले अपने डाउट बताइए, फिर अपन अगला आगे बढ़ेंगे। पहले आपके डाउट ले लेते हैं, क्या डाउट है अभी, जो जो आपके मन में आ रहा है ईमानदारी से रख दो, क्योंकि मैं उस हिसाब से और चीजों को आगे बढ़ाऊंगा। आपको क्या क्या और डाउट आ रहा है, जितनी चीजें बताई इसमें। हाँ, हिंदी मीडियम का रिजल्ट इतना खराब क्यों आता है भारत में, अगर भारत का पूरा सिनारियो देखें तो भारत में हिंदी मीडियम राज्यों के नाम बताओ जहां पे पूरा हिंदी मीडियम चलता है। हाँ, राजस्थान और छत्तीसगढ़, हाँ, गुजरात, गुजराती है, ठीक है, हिंदी में मान लो, और बिहार, और ठीक है। तो भारत में टोटल राज्यों की संख्या 8, आपने राज्य बताया 5, तो टोटल कितना परसेंटेज हुआ, कितना परसेंटेज हुआ, 28 राज्यों में 5, तो टोटल हिंदी भाषी जो राज्य है उनकी संख्या कम है। यूपीएससी में अगर हम देखें तो टोटल 5 लाख फॉर्म भरे जाएंगे, उसमें से हिंदी माध्यम के मात्र 1 लाख होंगे। तो ये कुछ ऐसा समझे कि 1000 में से मात्र 200 फॉर्म ही भरे जाएंगे, एक तो ये है। तो पहला तो कि फॉर्म कंपेरेटिव कम भरे जाते हैं, जो राज्यों के आपने नाम बताए उन राज्यों में भी ज्यादातर बच्चे जो फॉर्म भरते हैं वो DPS वाले फॉर्म भरते हैं, है ना, तो फॉर्म भरने वालों की संख्या पहले तो कम है, बहुत सिंपल बात है। दूसरा, फॉर्म भरने की संख्या के बाद सेकंड बात यह होती है कि यूपीएससी की संस्थागत भी कुछ समस्याएं हैं। तो पहले तो हमको ये मानना है कि पहले तो फॉर्म भरने के वालों की, मानो हमने बोला कि 1000 व्यक्ति फॉर्म भरेंगे तो उसमें से केवल 800 व्यक्ति जो हैं वो इंग्लिश के होंगे और 200 व्यक्ति जो होंगे वो हिंदी के फॉर्म भर रहे होंगे। तो पहले तो संख्या कम है, क्योंकि आपने मुझे काउंट करवाया, भाई तमिलनाडु का व्यक्ति इंग्लिश में ही फॉर्म भरेगा, वो तमिल में नहीं भरता है ना, मेघालय का व्यक्ति अपनी वो भी इंग्लिश में ही फॉर्म भरेगा, जम्मू कश्मीर का व्यक्ति भी इंग्लिश में फॉर्म भरेगा, और झारखंड का व्यक्ति भी इंग्लिश में ही फॉर्म भरेगा। तो पहली तो संख्या कम है, पहला पॉइंट मैंने आपको बता दिया कि संख्या कम है। दूसरी बात,
कि व्यवस्था में भी कुछ खामी है ना, केवल इससे बात नहीं निकल जाएगी। दूसरी बात, व्यवस्था में खामी है। ये व्यवस्था में खामी बहुत सारे प्रकार पे है। सबसे पहले अगर अपन देखें व्यवस्था में खामी सबसे पहले कहां पे, तो सबसे पहले तो हिंदी माध्यम में जिन सोर्सेस से जिन कंटेंट को पढ़ के पेपर बनाया जाता है ना, वो इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल वीकली का न्यूज़पेपर सामने रखा और उससे बनाने वाला क्या बना रहा, पेपर बना रहा। अब वो हिंदी माध्यम के अभ्यर्थी उस पेपर को पढ़ ही नहीं पा रहे हैं। तो दूसरा कि हमारे पास जो हिंदी माध्यम के पास जो सोर्स आना चाहिए वो सोर्स उतने बेहतर तरीके से उपलब्ध नहीं होता। समय के साथ उपलब्ध हो रहा है लेकिन वो उतनी क्वालिटी के साथ उपलब्ध नहीं होता। तो दूसरी बात तो क्या हो गई कि हमारे पास जो संसाधन होना चाहिए हिंदी माध्यम के पास, वो संसाधन की कमी है। दूसरी बात, तीसरी बात इसमें देखे तो वो बड़ी इंटरेस्टिंग हो कि जो तीसरी बात, यूपीएससी का माइंड सेट है वो भी इंग्लिश ओरिएंटेड है, क्योंकि वो कई बार तो प्रीलिम्स के स्तर पे इंग्लिश के प्रश्नों को दे देता है ना। इंग्लिश के प्रश्नों को क्या दिया था, ये इस पार्ट का है ना, सोशल नेटवर्किंग है ना, सोशल नेटवर्किंग को वो क्या बोलता है ना, सामाजिक संजाल। अब मैं आपसे सामाजिक संजाल बोलूं तो आपको एग्जाम में मिल जाए तो आपको पल्ले ही नहीं पड़ेगा है ना, क्योंकि वहां पर ट्रांसलेशन के स्तर पे जो संस्था है उस संस्था में कमी मौजूद है। वो चाहे प्री के स्तर पे या मेंस के स्तर पे कॉपी चेकिंग करने वाला इंग्लिश मीडियम का हिंदी मीडियम की कॉपी चेक करेगा तो उतने बेहतर तरीके से नहीं चेक करेगा, वो उसके भावों को उतने बेहतर तरीके से नहीं समझ पाएगा। तो उसमें अगली बात क्या है, संस्थागत समस्या मौजूद है। तो बहुत सारी समस्याएं मौजूद है, लेकिन समस्या मौजूद है तो समाधान भी तो है कि यार पिछले बार का आप देखो तो 1000 में से कम वहां पे 100 बच्चे हिंदी मीडियम के चयनित भी हुए। पॉजिटिव भी है ना, वो पॉजिटिव भी है। ये नहीं बोलेंगे कि हिंदी माध्यम वाले कम पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई में बराबर करते हैं, पहले तो संख्या कम है, दूसरा कि एक संस्था में व्यवस्था में कोई ना कोई कमी है, तो वो एक समस्या यहां पे बनी हुई है। स्टेट पीएससी में ये कोई समस्या हमें देखने को नहीं मिलती। स्टेट पीएससी में ये लगभग बराबर है, हिंदी और इंग्लिश वाले बराबर है, हिंदी वाले 60% है, इंग्लिश वाले 40% वो बराबर है स्टेट पीएससी में। लेकिन यूपीएससी में थोड़ी सी स्तर पर यह कमी है और उसको स्वीकार करना पड़ेगा, उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और उस एक्सेप्ट करने के लिए मैंने जो एक बड़ा फैक्टर बताया कि इंग्लिश के पेपर में बहुत सारे बच्चे क्वालिफाई नहीं हो पाते, इंग्लिश के पेपर में बहुत सारे बच्चे क्वालिफाई नहीं हो पाते, तो वो समस्या भी है। तो हमें वो समस्याओं का थोड़ा सा देखना है कि यार कहां कहां पे क्या समस्या है। हम अपनी कमियों को दूर करें ना, कि हमें इंग्लिश में भी उतने ही दक्ष हो जितने हिंदी में दक्ष हो, है ना, इंग्लिश में भी उतने ही दक्ष हो जितने हिंदी में दक्ष हो, तो फिर वो बेहतर होगा, है ना। ठीक है, हाँ चलो और बताओ, और क्या प्रश्न है आपका, और क्या प्रश्न है, कोई भी प्रश्न जो आपको मन में दुविधा, पहले दिन है तो बहुत सारे प्रश्न हो सकते हैं आपके। हाँ बेटा, हाँ हाँ हाँ, ऐसे सिर्फ हिंदी में लिखना है, वो हिंदी ऐसे लेखन है, वो आपके साथ जैसे यूपीएससी हिंदी वालों के साथ करता है, एमबीपीएससी इंग्लिश वालों के साथ करता है ना। और हिंदी का पेपर भी देना और ऐसे भी लिखना। हाँ, ये अभी मेरे जो दूसरे बैच है उसमें एक दिन मैंने बोल दिया यार निबंध लिखो थोड़ा सा, तो वो एक भैया ने पूरा इंग्लिश में लिख के लिया, बोले सर इंग्लिश में, तो इंग्लिश में नहीं लिखना, पूरा हिंदी में निबंध लिखना, और हिंदी में ग्रामेटिकल एरर्स की चेकिंग होती है वहां पे, तो इंग्लिश मीडियम वालों के लिए ये थोड़ी सी बर्डन होती है। लेकिन ये देख रहे हैं जैसे अभी 2 साल के रिजल्ट आ 2019 के 2020 के, तो जो ज्यादातर अच्छे बच्चे वो इंग्लिश मीडियम वालों ने टॉप किया है ना। अभी शायद अमित आएंगे, वो एमबीपीएससी में सेकंड रैंक करें है ना, अभी आज आने का बोला था शायद आएंगे अभी, तो वो सेकंड रैंक है मेंस में आने की, टोटल 11th रैंक पे उनकी आई है, अपने स्टूडेंट है क्लास में है ना, टेस्ट में वो आते थे, तो वो हिंदी से है ना कि उनका सेकंड रैंक वहां पे आया है ना, तो वो किससे आया, इंग्लिश से, वहां पे उन्होंने किया मतलब हिंदी की बात भी कर लिया, कई सारे इंग्लिश वाले करते हैं है ना, तो अपन को उससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है ना, कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, इंग्लिश वाले भी हिंदी इतनी सीख लेते हैं और एमपी की हिंदी वाले भी इंग्लिश सीख लेते हैं है ना, एमपी बहुत ज्यादा वो नहीं है, तो दोनों को आप तरीके से करके रखना। और क्या डाउट है, और बताओ आप। हाँ हाँ बेटा, नहीं अभी अभी जब अपन क्लास करें तो उसको प्री और अलग मेंस के हिसाब से अलग नहीं देखेंगे। अगले 12 महीने तक हमारी ये बात बिल्कुल नहीं होगी, ये प्री में आएगा मेंस में आएगा, पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, उसी को उसी दिन बाइफर्केट करते जाएंगे। सेम टॉपिक लेट से कि मैंने आपको पढ़ाया, कोई सा भी टॉपिक पढ़ा दिया, मैंने आपको गुप्ता पीरियड या डायनेस्टी पढ़ाई कि गुप्ता डायनेस्टी मैंने पढ़ाया, तो गुप्ता डायनेस्टी से प्री में क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, मेंस में क्या क्वेश्चन आएंगे वो मैं आपको दे दूंगा,
लेकिन आपको पढ़ते समय उसमें डिफ्रेंसिएशन मत चलाना, है ना, डिफ्रेंसिएशन मत चलाना कि प्री में यही पढ़े मेंस में। हम अभी एक ही अप्रोच के साथ पढ़ेंगे, प्री और मेंस दोनों को लेके चलेंगे। फायदा ये एक मेरा बहुत सिंपल जत्थन है, कई सारे आजकल यूपीएससी जो प्री नहीं हो पाता सीसेट की वजह से, इस बार बहुत सारे लोगों का यूपीएससी प्री नहीं हुआ, वो हमारे पास ढेर सारे बच्चे आए, खासकर टेस्ट के लिए आते हैं, वो ढेर सारे बच्चे आए कि सर हमने यूपीएससी किया है, 3 साल 4 साल से हम यूपीएससी की कर रहे हैं, एमबीपीएससी की हमें अब करना है, क्योंकि वहां पे प्री नहीं हो पाया, तो वो एमबीपीएससी में अपना भाग्य आजमाना चाहते हैं। तो हम उनको केवल एक बात बोलते हैं कि अगर आपने यूपीएससी का प्री बहुत अच्छे से किया है तो एमबीपीएससी का मेंस हो जाएगा, या किसी व्यक्ति ने एमबीपीएससी का मेंस बहुत अच्छे से किया तो वो यूपीएससी प्री के लिए काफी हद तक समझ होता है। तो हम अभी मेंस की अप्रोच पे चलेंगे, क्वेश्चन जब देंगे तो आपको समझ आ जाएगा, जैसे एक टॉपिक हमने कंप्लीट किया, वो टॉपिक के बाद आपको क्वेश्चन देंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि प्री में क्या पूछा जाता है, मेंस में क्या पूछा जाता है, मुझसे प्री में बन रहा है या मेंस में बन रहा है या नहीं। केवल आप उन क्वेश्चन को लगाने पे, जो मैंने एक बात बोली थी ना प्रैक्टिस, तो केवल प्रैक्टिस करने पे आप ध्यान देना बेटा, ठीक है, ये अपन वहां पे करेंगे। और बताओ, और कोई डाउट है ना, आपको जाना है क्या, आप मतलब क्या है, आपको जाना है क्या, है ना, ठीक है, आप चले जाइए, है ना, आपको मतलब जाना है, कोई काम है आपको निकलना है, हाँ 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 ठीक है, निकल, ट्रेन है अभी, हाँ हाँ ठीक है, अच्छा अच्छा ठीक है, आप बात कर लीजिए वहां पे, है ना, तो ठीक है ना, आपको कहीं नहीं जाना, आपका टाइमिंग वही रहेगा, जब आओगे 3:30 बजे आओगे, 6 बजे जाओगे, आपको बीच में बुक कोई वो नहीं है, है ना, बुक कुछ आते जाते रहेंगे, वो उनके पास बहुत सारा पैसा रहता है उनको आने जाने में, मेरा भी खर्चा उसी से चलता है ना, टाइम पास ठीक है, आपको कहीं नहीं आना, आपको मुझे सुनना है, ठीक है, आपको मुझे सुनना है नहीं, ठीक है, आपको सुनना है, और जब तक बोलेंगे तब तक सुनना है, ठीक है, तो ये तो अपना रहा है, है ना, तो ये अपना हुआ संख्या, देन सो, हाँ, अब उसके बाद अगला क्या प्रश्न था, क्या भूल रहे थे, और कुछ प्रश्न, कोई और प्रश्न बताओ, वुमेन ज्योग्राफी फिजिकल ज्योग्राफी का एक हिस्सा, फिजिकल ज्योग्राफी के 5 हिस्से हैं, मैं तो अभी एक ही बताया, मैंने फिजिकल ज्योग्राफी शब्द किया, फिजिकल ज्योग्राफी के अंतर्गत क्लाइमेटोलॉजी आता है, ह्यूमन ज्योग्राफी आता है, उसके अंतर्गत हम देखें तो ओसिनोग्राफी आता है उसके, है ना, तो ये ह्यूमन ज्योग्राफी के अंतर्गत फिजिकल ज्योग्राफी आता है, फिजिकल ज्योग्राफी के अंतर्गत ह्यूमन ज्योग्राफी आता है, तो उसके 5 सब टॉपिक है, वो जब पढ़ेंगे तो फिर उसमें बाइफरकेट करेंगे, है ना, मतलब ऐसे तो फिर सब्जेक्ट गिनाऊंगा तो इनकी संख्या तो लगभग 70-80 पहुंच जाएगी, ये सब अभी डर के चले जाएंगे, है ना, तो इनको इतना नहीं डराना है, ना इनको इतना नहीं डराना, नहीं तो ये आज से ही बोलेंगे ऐसा हो गया हमारा तो, है ना, यही है ना, तो ऐसे नहीं करना, ठीक है, तो और कोई क्वेश्चन आपके बताओ, हाँ, नोट्स बनाने का तरीका, ये बहुत सिंसियर बात है, नोट्स बहुत मतलब ये तो जब तक तैयारी करती है तब तक नोट्स चलते रहते हैं, लेकिन अभी क्या तरीका होगा, अभी तरीका ये होगा कि मैं जो पढ़ा रहा हूं, लेट्स से मैंने यहां पे जो पढ़ाया वो आपकी कॉपी में आना चाहिए अभी, दूसरा मैंने जो पढ़ाया उसके लिए मैं रेफरेंस किताबें बताऊंगा, क्योंकि मैं हिस्ट्री शुरू कर रहा हूं तो मैं हिस्ट्री के लिए किताब तो आज ही बता दूं, है ना, हिस्ट्री के लिए मैं किताब कौन सी बताया, मैं आप बता रहा पूनम दलाल धाइया की किताबें, है ना, एक किताब का नाम लिख लो, ये रेफरेंस किताब है, ये किताब आपको मार्केट में मिलेगी, है ना, ये किताब आपको मार्केट से लाना, नोट्स हम देंगे हमारे, लेकिन आपको पूनम दलाल धाइया की किताब पढ़ना, ठीक है, पूनम दलाल धाइया की किताब आपको अपने पास रखना, हिंदी इंग्लिश बाइलिंगुअल में मिलेगी, है ना, हिंदी में भी मिलेगी, इंग्लिश में भी मिलेगी, दोनों को आपका करना है, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, तो मैंने जो पढ़ाया आपने यहां पे उसको समझा, है ना, आपने दिन भर में उसको समझा, दिन भर में समझने के बाद आप घर जाओगे, घर जाके उसको पढ़ोगे, तो एक बात जो मैंने पढ़ा उसको पढ़ोगे, जो भी आपने नोट्स लिखा होगा उसको पढ़ोगे, दूसरा जो आपने पूनम दलाल धाइया की किताब पढ़ा उसको पढ़ा, दोनों को पढ़ा के जो मैंने पढ़ाया उसमें कोई चीज एडिशनल होगी, बहुत सारी चीजें उस किताब में नहीं मिलेगी, तो वो तो आपके नोट्स में होगी, लेकिन उस किताब में जो एडिशनल चीजें मिली वो आपके नोट्स में एडिटिंग हो जाए, ताकि अगले बार हम उस किताब को नहीं देखेंगे, अगले बार केवल और केवल नोट्स को देखेंगे। यहाँ पे नोट्स कैसे बनाओगे, तो नोट्स बनाने की एक प्रोसेस हो सकती है कि मैंने यहाँ पे करवाया, फिर आपने उसको फेयर किया, वैसा मत करना, आप अपन स्कूल में नहीं है, है ना, आप अपन स्कूल कॉलेज में नहीं है, यहां पे जब आप बनाएंगे तो उसको फेयर के हिसाब से बनाना, यहां पे आपको क्या बनाना, फेयर के हिसाब से बनाना कि भाई उससे हमारा क्या रहेगा, फेयर रहेगा, वो हमारा हमेशा के लिए चलेगा, ये हमें करना है। तो यहां पे जो जो चीजें मैं बोल रहा हूं, कुछ चीजें हम डिटेक्ट करेंगे, कुछ चीजें मैं डिटेक्ट नहीं करूंगा, तो यहां पे आपको दिख रही होगी, है ना, यहां पे बाइलिंगुअल हमारे सबके नोट्स जो रहेंगे वो बाइलिंगुअल रहेंगे, हिंदी भी रहेगा इंग्लिश भी रहेगा, तो आपकी जो भी मीडियम है, जो भी लैंग्वेज है, उस मीडियम उस लैंग्वेज से आपको उसको समझ लेना है,
ठीक है, तो ये रहेगा। ठीक है, तो नोट्स आपको दिन प्रतिदिन बनाना, जो रजिस्टर बनाया वो रजिस्टर आपका जीवन भर का साथी होगा, जो अभी बनेगा। अभी अगले 12 महीने में जितनी ज्यादा मेहनत कर सकते हो उतनी ज्यादा मेहनत करना। बेटा होता क्या है, मतलब मेरे पास थोड़ा सा वो, मतलब मेरे पास ज्यादातर बच्चे जो आते हैं वो बच्चे आते हैं टेस्ट सीरीज के लिए, बहुत सारे बच्चे आते हैं असीमित, वो सब दो दो तीन तीन चार चार पांच पांच बार प्री निकाल के आते हैं, लेकिन उनका बुनियाद जो होती है ना बहुत हिली हो रही होती है, तो मेंस नहीं निकाल पाते। हमारे पास ज्यादातर जो देखोगे आप, देखोगे या अभी जस्ट आपकी क्लास के बाद आएंगे, वो सब बच्चे ऐसे आते हैं टेस्ट के लिए आते हैं। उन्होंने जब पढ़ना था, मतलब जब आप पढ़ाई शुरू करो तो बहुत मेहनत करके पढ़ो, उन्होंने पढ़ाई को बहुत जब शुरुआत की ना तो सही तरीके से नहीं किया, है ना, वो बहुत दुख होता है। मुझे सबसे ज्यादा दुख होता है कि उनकी बुनियाद हिली हुई होती है। तो हमको जो बुनियाद है ना उसमें जितना ज्यादा पढ़ सकते हैं, मानो एग्जाम्पल के रूप में मैंने पढ़ाया आपको, ये नहीं पढ़ना कि उसके आगे के बहुत सारे टॉपिक, उसके पीछे के बहुत सारे टॉपिक, हमें बताओ हमने जो टॉपिक पढ़ाया उस टॉपिक में आप जितनी गहराई से जा सकते हो उतना जाने का प्रयास करना। लेट्स से कि मैं आपको हड़प्पा पढ़ा रहा हूं, तो हड़प्पा आपने पढ़ा, हड़प्पा पढ़ने के बाद पूनम दलाल दहिया की किताब पढ़ी, आपको लगता है सर ये तो मेरी दोनों हो गई, तो फिर आपने आर एस शर्मा की किताब पढ़ी, फिर आपने एक और किताब पढ़ी। जितनी ज्यादा किताबें पढ़ सकते हो पढ़ना, उससे अपने नोट्स को इनहेंस करना। आप उसको जितना ज्यादा इनहेंस करोगे उतना ज्यादा आपको कॉन्फिडेंस होगा, और बाद में आपको समस्या नहीं उत्पन्न होगी, है ना, बाद में समस्या उत्पन्न नहीं होगी। अभी समस्या क्यों उत्पन्न होती है, क्योंकि हमने उतनी डिटेल से उस पर अपनी कमांड नहीं बनाई होती बेटा। तो अभी आप अपनी कमांड को बढ़ाना, है ना, क्योंकि एक बार की मेहनत है। दिक्कत क्या होता है, लोग चार चार पांच पांच सालों में भी प्री नहीं निकाल पाते, उसमें एक बहुत बड़ा रीजन होता है। वो रीजन क्या होता है, वो सिंपल होता है कि भाई आपको जो टॉपिक पे जितनी गहराई होनी चाहिए थी वो गहराई आपने अचीव नहीं की, तो आपको गहराई क्यों करना, क्योंकि आपके पास पर्याप्त समय है। लगभग एक आध दो को छोड़ के, एक दो लोगों को छोड़ के कोई भी इस बार पेपर देने वाला नहीं है, है ना, और आप यहाँ पे चार पीढ़ियां एक साथ बैठे हो, जो है वो एमएससी में है, जैसे आप शायद एमएससी में है, एमएमए है, कुछ जो है वो थर्ड ईयर में है, कुछ सेकंड ईयर में है, कुछ फर्स्ट ईयर में, तो आप सबको अभी एग्जाम का प्रेशर नहीं है, और जो अप्रैल में एग्जाम है उसको लेके बिल्कुल नहीं है, लेकिन जो उसके बाद एग्जाम होगा उस तक मेरा दावा मैं 100% आपका सिलेबस करवा दूंगा, है ना। जो स्टेट सर्विस का एग्जाम होगा या तो दिसंबर या जनवरी में, उस तक मैं 100% आपका सिलेबस करवा दूंगा, उसके बाद आप दावे के साथ उस एग्जाम में अपीयर होगा। लेकिन और जो यूपीएससी का वो इस बार नहीं, जो यूपीएससी 2025 में आएगा उस तक आपका 100% सिलेबस होगा, आप उस यूपीएससी में दावे के साथ बैठ पाओगे, है ना। वो थोड़ा सा आप 4-5 महीने की प्री की एक एडिशनल अपन को फिनिशिंग करना पड़ेगा, क्योंकि अभी तो अपन कॉमन रूप से चलेंगे, फिर प्री की फिनिशिंग करना पड़ेगा। एमबीपीएससी में वो फिनिशिंग की भी जरूरत नहीं होगी, वो तो अपन वैसे ही करते चलेंगे, तो वो चीजों को आप ध्यान रखना है, ठीक है। चलो अब और बताओ, और कोई प्रश्न? हाँ वो होती है, वो एकदम बात सही है, वो तो अभी ये बाहर बैठे ये भी देंगे यार, वो बात एकदम सही है। आप जब बेस बना रहे हो तो आप मल्टीपल बुक को बनाओ, मल्टीपल बुक को एक किताब पे लेके आओ, है ना। जैसे मैंने क्या बताया, मैंने सिंपल मेरी बात को ध्यान दो ना, मैंने जो नोट्स बनवाए उन नोट्स में पूनम दलाल दहिया की किताबों को लाओ, पूनम दलाल दहिया पढ़ ली तो आर एस शर्मा की किताबों को उन नोट्स में लाओ, अब वो नोट्स आपका एक होगा। अब दोबारा से अगले जितने भी साल तक एमपीपीएससी दो, केवल उस किताब को पढ़ो, तो वो थोड़ा डिटेल में नहीं बनाते हैं, क्योंकि वो पढ़ाते नहीं है ना, वो बन जाते हैं उसके बाद वो कुछ ही बोलते हैं नहीं, ठीक है, वो उतनी गहराई से नहीं बताते। पहली बात सब ये करते जो अच्छे तरीके से करते, तो उस सोच को बहुत मजबूत से करो पहली बार के लिए। दूसरी बार में मैं कभी नहीं बोलूंगा, दूसरी बार में कभी नहीं बोलूंगा कि आप इतनी किताबों को पढ़ो, पहली बार में बहुत ज्यादा पढ़ना, क्योंकि उससे आपकी नॉलेज बढ़ेगा बेटा। जो एक किताब में बुक छूटा, जैसे अभी जस्ट रिसेंट एग्जांपल ले लो एमबीपीएससी के क्वेश्चन, एमबीपीएससी में मतलब बच्चे तो आजकल किताबें भी नहीं पढ़ते, वो तो केवल नोट्स ही पढ़ते हैं, है ना। जो बच्चे होते हैं वो तो किताबें भी नहीं पढ़ते, वो केवल क्या बोलते हैं, हमें तो नोट्स पढ़ना है ना, कि है ना आपके नोट से दे दो, हमारे नोट से दे दो, कोचिंग वाले के नोट से उनके पढ़ते हैं, वो तो उतना भी नहीं पढ़ते। अब जब एग्जाम हुआ, जैसे अभी एग्जाम हुआ और हिस्ट्री का पेपर आया, तो हिस्ट्री के पेपर में टोटल जो थीम आकर के क्वेश्चन आते हैं स्टेट पीएससी में, वो उनकी संख्या जो हुआ करती थी, वो संख्या कितनी थी, वो हिस्ट्री की जो संख्या थी वो 15 क्वेश्चन आए, 10 क्वेश्चन ज्यादातर लोगों से नहीं बने, लेकिन उन 10 क्वेश्चन में से भी 5 या 6 क्वेश्चन जिन्होंने पूनम दलाल दहिया की किताब पढ़ी थी उनसे वो बने। तो अब जो 15 नंबर का डिफरेंस पैदा होगा, वो डिफरेंस पैदा बाकी लोग उसको कभी फिल नहीं कर पाएंगे, या जिन्होंने आर एस शर्मा कुछ क्वेश्चन जो थे वो आर एस शर्मा में मिले, है ना, बाकी 90% लोग क्या पढ़ के गए थे, नोट्स पढ़ के गए थे, तो नोट्स में वो क्वेश्चन थे ही नहीं,
वो रेफरेंस किताबों में थे। बात सिंपल समझ आ गई। अगर उसके आधार पे हम देंगे तो वो आप केवल एक ही से पढ़ोगे तो थोड़ा सा पढ़ोगे, थोड़ा सा आप एग्जाम में रिप्रेजेंट करोगे, बहुत सारा पढ़ना और थोड़ा सा हमको एग्जाम में देना, ये अभी ये अप्रोच है ना, क्योंकि आप नींव वाले हो, है ना। अगर मैं आपको संबोधित नहीं करता, मेरे साथ ज्यादातर बच्चे तो वैसे ही बैठते जिनका मेंस का एग्जाम होता है, तो उनको तो मैं केवल बहुत सिंपल शॉर्टकट बताता, बेटा कितने महीने एग्जाम दूर है। कोई बोलता सर 2 महीने एग्जाम दूर, 2 महीने के लिए तुम कुछ मत करो, आंख बंद करके जो मैंने नोट्स दिया है केवल उनको पढ़ो, 2 महीने एग्जाम दूर। वो बोलते सर 6 महीने बाद है। मैं किसी दूसरी कोचिंग के बोल देता क्या 6 महीने के लिए उस कोचिंग की नोट से आप उसको पढ़ो, वो बोलते सर हमारा एग्जाम 1 साल बाद है। फिर बोल देते 1 साल बाद है, इस कोचिंग के नोट्स पढ़ लो। आप सबको अभी वो नहीं पढ़ना, आप सबको अपने नोट्स बनाना, किसी दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना, ठीक है। ये मेरा सिंपल फंडा है। आपकी बात सही है, ज्यादातर लोग वो बोलते भी सही है, लेकिन वो बोलते बहुत बाद में, वो अपने 4 साल पहले नहीं देखते कि 4 साल पहले हमने क्या किया था, वो तो आखिरी साल के बता देते ना कि आखिरी साल में हमने क्या किया था। वैसे नहीं, आखिरी साल में तो आपको भी रिविजन करना, आप भी जब सिलेक्शन हो जाओगे आप भी बोलोगे एक ही नोट्स को पढ़ना, लेकिन वो एक नोट्स को 400 सोर्सेस से बनाना है, ये मेरा सिंपल रेसिपी है, ठीक है वो है। हाँ और बताओ आप इसमें, ठीक है किसी का कोई डाउट नहीं, तो 2 मिनट का ब्रेक लेंगे, 2 मिनट के लिए आप बैठिए, मैं 2 मिनट के बाद यहाँ पे देखता हूँ अभी क्या मतलब। सर आने वाले थे अमित, उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन था, अमित सोनी डिप्टी कलेक्टर है, वो 11 बजे तो उनको आना भी था, मैंने बोला था मिलो, देखते हैं अगर वो नहीं आ पाए होंगे तो फिर मेरी क्लास वापस से 2 बजे बाद कंटिन्यू हो जाएगी, तो 2 मिनट के लिए आप ही ब्रेक लो, मैं वापस से आ रहा हूँ। चलो नेहा, चलो अभी अमित सर तो नहीं आए, नेहा मैम आई है इनकी, ठीक है आ जाओ बेटा, बैठ जाओ बेटा।